नमस्ते जी नमस्ते के हाल चाल हैं आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताइएगा हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे और सुनाओ क्या चाल आपके सर जी बहुत अच्छे हैं अश्लीषा है शाश्वत है दृष्टि है कृतिका है अमन है कवि है दोस्ती रातिका है हरि कृपा है है कृतिका अमन है सभी का बहुत बहुत स्वागत है आइए बात को बढ़ाते हैं आगे की तरफ और जो अभी नींद से जागे नहीं है कृपया करके वो जाग जाए चलो रे आ, आ गए हाँ सर जी आ गए हैं तो लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर भाई साहब निपटा दिया था नाम था जिसका इंट्रोडक्शन का एंड साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का छोटा सा पार्ट था वो भी उसी के अंदर लपेट दिया था अब अगला चैप्टर आता है आपका डेफिनेशन का मैंने क्या किया है कि एंटायर जीएसटी एक्ट के अंदर जो भी आपके लिए रेलिवेंट डेफिनेशन है उनको अलग अलग चैप्टर में ना देकर एक सिंगल चैप्टर बना दिया है इसके दो तीन फायदे होते हैं नंबर एक कि आप जब आगे चैप्टर्स में पढ़ रहे होंगे तो आपको अलग से किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को देखने के लिए भागना नहीं पड़ेगा आपके पास सारी डेफिनेशन ऑलरेडी कवर हो चुकी होंगी और दूसरी बात जब आपको किसी शब्द का मीनिंग देखना पड़ जाए इन बिटवीन तो आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा यार ये कौन से चैप्टर में डेफिनेशन दे रखी थी डेफिनेशन आपकी एक सिंगल चैप्टर के अंदर अलग से दे रखी है लेकिन ये चैप्टर डिस्कस करने से पहले हम आपको लिए चलते हैं अपने बाबा की बूटी के डायग्राम पर जिसमें हमें यह सिखाया जाता है कि हमें जीएसटी को हैंडल कैसे करना है कैसे पकड़ना है क्या अप्रोच लगानी है इसका पूरा मैप कैसे काम करता है। तो यहां पर आता है सबसे पहले इसमें कुल मिलाकर नौ बक्से बने हुए हैं उन नौ बक्सों में पहले पांच को मैं गेट के नाम से बुलाता हूं गेट वन टू थ्री फोर फाइव मतलब यह है कि जीएसटी का जो जाल हमारे ऊपर फेंका गया है इस जाल में से बच निकलने के सिर्फ पांच दरवाजे हैं पांच एग्जिट हैं पांच है पांच है पांच है हूं भाई साहब पहले मैं बोलते हैं कि भाई देखो जीएसटी अगर लगाने की बात कर रहे हो तो एक गुड्स या सर्विसेज का होना बेहद जरूरी है गुड्स या सर्विस है तो ही आगे बात करूंगा अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती है तो हम यहीं से आउट हो जाएंगे इस जीएसटी के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर आ जाएंगे एग्जिट फ्रॉम गेट नंबर वन गुड्स और सर्विस बन जाता है तो अगला टेस्ट किया जाता है कि क्या उसकी कोई सप्लाई भी बनी है या नहीं बनी है सप्लाई अगर बन जाती है तो आगे बढ़ेंगे और अगर सप्लाई नहीं बनी जैसे कि मॉर्चरी सर्विस तो यहीं से गेट नंबर दो से हम एग्जिट लेकर चले जाएंगे साबास बजाया बजाय तो सब देख रहे थे अच्छा जी तो यहां से एग्जिट हो जाएंगे उसके बाद आगे बढ़े सप्लाई अगर बन जाता है तो ट्रांजैक्शन चाहे आपकी स्टेट हो या फिर इंटर स्टेट हो इंट्रा है तो सीजीएसटी जी एसजीएसटी की बात करेंगे इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी की बात यहां पर करी जाती है एक्सपोर्ट कर दिया तो आप जानते हैं डेस्टिनेशन प्रिंसिपल से पकड़ लेगा और फिर टैक्स की बात हम नहीं करके चलेंगे खैर गुड्स या सर्विस की सप्लाई इंटर या इंटर देखने के बाद देखना होता है कि क्या यह एक टैक्सेबल पर्सन के हाथों से करी जा रही है टैक्सेबल पर्सन मतलब रजिस्टर्ड पर्सन पहले रजिस्टर्ड पर्सन बचपन में उसे बुलाए करते थे अगर किसी की शादी हो रखी है छोड़ो भाई रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड वो जिसके हाथ पीले हो गए हैं या पीले होने वाले हैं ज्वाइंटिस की वजह से नहीं हल्दी से शादीशुदा अगर उसके हाथों से गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करी जा रही है इंट्रा या इंटर तो ही जीएसटी लेवी होने की बात हो सकती है अदरवाइज नहीं हो सकती है ठीक है जैसे कि जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है वो टैक्सेबल पर्सन नहीं होता है दस बीस चालीस के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी टैक्सेबल पर्सन नहीं होते हैं अगर ऐसे व्यक्ति गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं तो वहां पर जीएसटी का जन्म नहीं होगा कुआरा नहीं चाहिए शादीशुदा चाहिए उसके बाद भी एक आखिरी डिफेंस आपके पास में होता है गेट नंबर पांच करके आखिरी मौका है यहां से ज्यादा सर्विसेज होती हैं और डेढ़ सौ से ज्यादा गुड्स आपके कैटेगरी के अंदर आते हैं आखिरी रूट है यहां से बाहर निकलने के लिए हम देख रहे हैं कि गेट नंबर दो से भी बाहर जा रहे हैं और गेट नंबर पांच से भी बाहर जा रहे हैं दोनों में अंतर क्या है बाल सलून पे जाके कटवाने में और बाल को जड़ से उखड़वाने में फरक होता है अगर जड़ से उखाड़ दिया है तो वहां दोबारा बाल नहीं आएगा उगाना है तो जड़ को वापस के लाना पड़ेगा जो ट्रिमिंग कराई है तो वो वक्त के साथ नेचुरली ग्रो कर जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं तो जिन सप्लाईज पर सरकार को जीएसटी ना आज लेना है और ना ही कभी भविष्य में लेने का मन है उन चीजों को वो जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं जैसे कि मॉर्चरी की सर्विस आ गई यहां पर कई सारे पॉइंट्स आपके आते हैं जिसे हम न्यू मैजिक ऑफ डब्ल्यू जी लीकर वाले के नाम से संबोधित करते हैं इनको जड़ से उखाड़ कर फेंक रखा है ना आज जीएसटी ना कभी होगा अगर लाना पड़ा वापस जीएसटी तो ये सेक्शन को आके अमेंट करना पड़ जाएगा मालिका के तो ये थोड़ा टिपिकल टास्क यहां पर हो जाता है लेकिन जिनको एग्जामिशन के दायरे से बाहर निकाल रखा है तो ऐसे मान के चलो कि चीज एग्जिस्ट तो करती है टैक्स तो बनता है लेकिन उस टैक्स को किसी चादर से इन्होंने ढक रखा में लिया जा सकता है, मन बन सकता है तो उनको एग्जीशन रूट से बाहर निकालते हैं सप्लाई वाले में जो बाहर निकलते हैं वो कुछ एक चुनिंदा आठ दस आइटम है जिन पर सरकार को कभी ले नहीं सकते जी जैसे मोर्चरी शव को जलाने दफनाने के लिए चार्ज लिए जाते हैं सरकार कभी सोच भी नहीं सकती है किस पर जीएसटी लिया जाएगा तो उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक रखा है बाकी चीजों को यहां से अपना निकाला गया है अगर यहां तक बाहर निकल गए तो निकल गए जीएसटी की चर्चा वहीं खत्म हो जाती लेकिन अगर यहां तक बाहर नहीं निकले हो तो बधाई हो जीएसटी का जन्म हो गया है यहां पर आकर जीएसटी का जन्म होता है जब बेबी का जन्म होता है तो उसका वजन किया जाता है किन्ना बढ़ाए वे कितना कितना जीएसटी उसका अमाउंट यहां कैलकुलेट किया जाता है अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तराजू हैं एक का नाम है रेगुलर स्कीम दूसरी का नाम है कॉम्पोजिशन स्कीम यहां से तोलकर बताते हैं इसका अमाउंट कितना बनता है अमाउंट निकल जाने के बाद फिर देखेंगे कि भाई बधाई तो बजवाली है लेकिन इसका पेमेंट सरकार को कौन करके आएगा नॉर्मली मैंने आपसे जीएसटी लिया है और मैं ही सरकार को जमा करके आता हूं यानी कि जो सप्लायर होता है जो करता है सो भरता है वही जीएसटी का पेमेंट सरकार को मेहरबान करके आता है लेकिन कभी कभी कुछ खास परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जहां पर कि जो जीएसटी का पेमेंट सरकार को है वो सप्लायर नहीं बल्कि रेसिपिएंट को करना होता है ऐसा तब होता है जब दगाबाजरे जब सप्लायर दगाबाज हो जाता है धोखेबाज हो जाता है ट्रस्ट सरकार को नहीं रहता या सरकार का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता जैसे इमोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर तो की गर्दन पकड़ ली जाती कि आजा मेरे राजा टैक्स भर दे रिवर्स चार्ज में आकर और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करा ले अंडर सेक्शन ट्वेंटी में आकर ठीक है ठीक है सर जी जब यह डिटर्मिन हो जाता है कि जीएसटी कौन भरेगा तो उसके बाद अगला नंबर आता है कि जीएसटी कब भरा जाएगा

पेमेंट कौन कब कैसे पे करके चलेगा रिटर्न फाइलिंग कैसे होगी एंड ऑल ये जो कंप्लाइंस वाला पार्ट होता है ये यह यहां पर डिस्कस किया जाता है यही है आपका सिलेबस मालिक इतनी सी बात हमने बस यहां पे करके चलनी है जी कोई फ्रेंड बन जाओ मेरे को हेल्प कर दो हम बन जाएंगे फ्रेंड हमसे ले लो हेल्प ठीक है रोशन ठीक है सर जी तो अब इतना होने के बाद अब हम चलते हैं अपनी डेफिनेशंस के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है यहां पर आकर ठीक है यहां लिखेंगे जरा नो डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड यहां से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा है बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि पत्नी ने पति को बेचा मतलब गुड्स बेचा और वो भी फ्री में बेचा तो क्या इस घटना पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा तो इसमें पहला नियम ये होता है कि रिलेटेड पार्टी के बीच में जो ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं उनको सप्लाई बना दिया जाता है और जीएसटी लग जाता है अब यहां पर देखना होगा रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या आती है क्या इसके अंदर आपके फैमिली मेंबर्स भी शामिल होते हैं हाँ होते हैं नंबर तीन फैमिली की परिभाषा देखनी पड़ेगी क्या फैमिली की परिभाषा में पति पत्नी और वो आते नहीं वो नहीं आता पति और पत्नी आते हैं क्या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता फैमिली में आता है कि नहीं आता द आंसर इज यस तो इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना यह चाहता हूं कि इन डेफिनेशन को आपने बाई हर्ट लर्न नहीं करना है कि मानने पे लग जाओ कि मैं शब्द को बिल्कुल एज इट इज याद करूंगा नहीं आपको शब्द का मीनिंग क्लियर होना चाहिए एग्जैक्टली exactly इसमें बताया क्या गया है प्रोसेस समझ में आ गया हाँ जी आ गया है जी <coughs> जी सर जी, तो पहली डेफिनेशन आती है आपकी यहां पर क्लेम की तो जैसे माता पिता के आगे छोटा बच्चा दौड़ता रहता है जब जाते थे ना मेले में भी आप जाते थे या कहीं भी घूमने माता पिता के साथ जाते थे तो माता पिता से आगे आगे भागते थे आप वो कहते तो रुक जा बेटा रुक जा लेकिन आप भाग रुकते ही नहीं थे आप ऐसे ही आपको मेरे आगे आगे चलना है मैं क्या बोलने वाला हूं आगे वो आप पहले से ही प्रोएक्टिव बनकर चलिएगा आगे आगे भागोगे ना यस सर एक्शनेबल क्लेम किसे कहेंगे सर जितनी भी आपकी कॉन्टेंजेंट एसेट्स होती हैं उनको एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है जिसमें कि आपके आ जाते हैं लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग ये आ जाता है सारा का सारा एंड अनसिक्योर डेट्स आ जाते हैं पेंडिंग लिटिगेशन आ जाते हैं एंड ऑल ठीक और हमारी बात अच्छे से जानते हैं कि आ, कुछ एक स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग इनको छोड़कर बाकी सभी को सप्लाई नहीं बनाया जाता है और बाकी सब पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है जो स्पेसिफाइड एक्शनबल क्लेम्स हैं जैसे लॉटरी बेटिंग बैटिंग एटसेट्रा इनको ही हम लोग सप्लाई बनाते हैं और फाइनली इन पर जीएसटी लगाया जाता है तो आप गोले जरूर खींचे कॉन्टिंजेंट एसेट्स जो होती है वो एक्शनबल क्लेम है बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी ये वो फलाना ढिमका एटसेट्रा सब लिखा मिलेगा लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग अ लोन विल बी रिगार्डेड ए सप्लाई ऑफ गुड्स इसको आप यहां लिख सकते हैं स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को ही सिर्फ हम सप्लाई बनाकर चलते हैं अदरवाइज को सप्लाई नहीं बनाते हैं इसलिए उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाती है पहले बोलो बात समझ में आ गई ओके बोल दिया करो कल मिल जाएगा टोरी सैल मिस्टर टोरी सैल कल मिल जाएगा जी एजेंट की बात करते हैं कौन है एजेंट प्रोएक्टिव है ना भाई साहब आंखें खोल के बिल्कुल एजेंट सर एक मीडिएटर एक बिचौलिया होता है जो दो पार्टीज को मिलाने का काम करता है है ना जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है आप इसको किसी भी नाम से पुकारो इसे फर्क नहीं पड़ेगा आप इसका नाम मत देखो आप इसका काम देखो काम के हिसाब से इसको जज किया जाता है ऐसे ही हमारे समाज के अंदर भी यही होना चाहिए कि व्यक्ति को उसके जाति के हिसाब से नहीं उसके काम के हिसाब से एड्रेस किया जाना चाहिए हां बोलो हां क्या अ पर्सन इंक्लूडिंग फैक्टर नाम बोल दो ट्रैक्टर बोल नहीं ब्रोकर बोल दो कमीशन एजेंट बोल दो आड हथिया बोल दो डेल क्रेडियर एजेंट बोल दो अंग्रेजी नाम है ये वो बंदा होता है जो अपने प्रिंसिपल को इस बात की गारंटी देता है कि जीरो परसेंट डेट्स, हंड्रेड परसेंट पेमेंट ऑन टाइम होगी जैसे कि रजनीगंधा जीरो परसेंट टोबैको हंड्रेड परसेंट टेस्ट खाना पर कभी मत और एनी अदर मर्कलटाइल एजेंट वट नेम कॉल्ड नाम पर आपको नहीं जाना है काम पे जाना है काम क्या है तो ऊपर बताया नाम और नीचे बताया इसका काम हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन इस अनदर पर्सन का मतलब होता है प्रिंसिपल जो किसी दूसरे के बिहाफ पे काम करता है कीवर्ड बिहाफ है इसमें ठीक जहां तक सवाल है जीएसटी में इसकी एप्लीकेशन का तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को माल बेचता है कि भेजता है सर ये माल यहां पर आकर ना भेजता है तो सेक्शन सेवन शेड्यूल वन के मुताबिक हम लोग इसे सप्लाई बना देते हैं और इस पर जीएसटी लग जाता है हाउ एवर सामने वाला जो बंदा है इसका आईटीसी भी ऑलवेज क्लेम कर लेगा क्योंकि जो एजेंट होता है उसका रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर में मैंडेटरी कराया जाता है सो ट्रांजेक्शन बी टू बी आपकी बनती है आई मिल जाएगा इस ट्रांजेक्शन में सरकार को रेवेन्यू तो नहीं मिलता है लेकिन हां कंट्रोल सरकार को यहां पर जरूर जरूर मिल जाता बिकॉज सरकार एक भी ट्रांजेक्शन एक भी को फ्री नहीं छोड़ना चाहती है बात करते हैं प्रिंसिपल को लेकर अच्छा इसमें दूसरा सर एजेंट अगर प्रिंसिपल को दे तो भी सेम ट्रीटमेंट होगा ये भी यहां पर ट्रांसफर कर रहा है तो सेम ट्रीटमेंट यही अप्लाई करवा दिया जाता है प्रिंसिपल क्या है कौन है सचिन प्रिंसिपल मतलब जो एजेंट से काम करवाता है उस बंदे को यहां प्रिंसिपल बोलते हैं जहां तक सवाल है जीएसटी में एप्लीकेशन का तो मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल का यहां पर क्या रोल निकल कर आ रहा होता है हम यह भी जानते हैं कि जो ये यह यहां से यहां को ट्रांसफर किया जाता है प्रिंसिपल टू एजेंट तो ऐसे वाले मामले के अंदर ये जो ट्रांसफर किया गया था ये किसके हैंड में क्लब किया जाता है ये प्रिंसिपल के हैंड में क्लब किया जाएगा या एजेंट के में तो टैक्सेबल पर्सन नाम के चैप्टर के अंदर बताते हैं कि इसको एजेंट के हैंड में क्लब किया जाता है स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन वहां पर दे रखी होती है साबास मेरे बच्चे बस मुझे सपोर्ट ये देते रहना आप लोग कि मुझसे आगे आगे चलना प्रोएक्टिव होकर अगर आप जेन्युइनली इस रिवीजन वीडियो का फायदा लेना चाहते हैं और मेरी कमर के पीछे रह के चले आप तो आपको फायदा मिलेगा 25% और मुझसे आगे चले तो आपको फायदा मिलेगा 125 परसेंट का इसलिए आंखें खोलकर अलर्ट मोड पर मुझसे आगे आगे चले कि क्या होने वाला है ठीक है यस yes, सर सभी से रिक्वेस्ट है आगे बात करते हैं एग्रीगेट की द मोस्ट डेफिनेशन तो उसमें सबसे पहली बात यह आती है कि ये पेन बेस्ड क्लबिंग यहां पर करके चलते हैं पेन बेस में देखते हैं कि आपके जितने भी स्टेट में कारोबार हो रहा है चाहे यूपी में है चाहे हरियाणा में है चाहे किसी और में है यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर एक पेन पर रजिस्टर्ड आपके जितने भी प्रोमाइज हैं उन सभी की जो अपनी आउटवर्ड सप्लाई होती है, है हो हो। ट्रांसफर जब हम करते हैं तो उसे सप्लाई नहीं माना जाता है और वो एग्रीगेट टर्न का हिस्सा नहीं बनता है आउटवर्ड हो और सप्लाई हो तो निश्चित तौर पर ये यहां किया जाएगा अब चाहे ये आपकी टैक्सेबल हो चाहे ये आपकी जीरो रेटेड हो, <coughs> हो चाहे ये आपकी एग्जाम हो चाहे ये इंट्रा हो इंटर हो चाहे ये वाली एन की हो चाहे ये वाली आर की हो बस मुझे दो शब्द देखने हैं आउटवर्ड है और सप्लाई है मैं इसे एड पक्का पक्का करके चलता हूं दूसरी एक और बात व्हाट अबाउट टैक्सेस तो मान लीजिए जैसे टोबैको है वैल्यू आ जाती है सौ रुपए की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है उसके ऊपर दस रुपए की एक सौ दस हो जाता है इसके बाद जीएसटी लगता है फिर कॉम्पनसेशन सेस एक सौ दस के ऊपर लगाए जाते हैं यहां पर आकर ठीक तो जब मैं एग्रीगेट टर्न निकाल रहा हूँ तो सौ को पकड़ूंगा कि एक पकड़ूंगा दस को पकड़ूंगा, पकड़ूंगा। हालांकि ये गलत है मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं हमें हंड्रेड को पकड़ना चाहिए था क्योंकि मेरा प्रैक्टिकली अकाउंट्स के अंदर भी सौ रुपए का टर्न दिखाऊंगा जो दस रुपए एक्साइड ड्यूटी के नाम पर आए हैं आपसे लिए हैं सामने वाले सरकार को देके के चलने ये मेरे टर्नओवर का हिस्सा भला कैसे हो सकता है लेकिन यहां पर सरकार ने इसको ऐड कराने की बात करी है इसके पीछे भी कारण है कि सेक्शन पंद्रह जब हम पढ़ते हैं वैल्यूएशन चैप्टर में जाकर तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि बोलता है कि जीएसटी और कॉम्पन्सेशन सेस को छोड़कर बाकी आपके जितने भी टैक्सेस होते हैं उन सभी को ऐड करके हम अपनी असेसिबल वैल्यू काउंट करते हैं तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि जो अदर टैक्सेस हैं उनको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है दैट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्न जहां तक सवाल है अपनी इनवर्ड सप्लाई का यानी कि आपके जो परचेजेस हैं क्या वो आपके टर्न का हिस्सा बनेंगे मैं आपसे पूछू कि मेरा टर्न कितना है तो आप मेरे ये सेल पर ध्यान देंगे या मेरी परचेज पर ध्यान देंगे, मेरी छप्बाई वाले को कितना पेमेंट किया आप उससे कोई मतलब नहीं है इनवर्ड सप्लाई चाहे एनसीएम की हो चाहे आरसीएम की हो मुझे से कोई लेना देना नहीं है मैं सिर्फ आउटवर्ड की यहां पर बात करके चलता हूं <coughs> तो लिखा है इसमें आके कि ऑल आउटवर्ड हो और सप्लाई हो टैक्सेबल हो एग्जेप्टेड हो एक्सपोर्ट वाली जीरो रेट सप्लाई हो सब चलेगा इंट्रा इंटरमिंटर टैक्स कैसी भी हो एक पैन पर लिंक हो ऑल इंडिया बेस हो और नए जो टैक्सेस हैं उन्हें एक्सक्लूड करती हो मतलब पुराने टैक्सेस विल रिमेन इंक्लूडिबल इन इट ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है जहां तक सवाल है इसके

टैक्सेबल सप्लाई दे रहे थे जहां जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई दे रहे थे उन तमाम स्टेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता है ऐसा लिखा है अगली डेफिनेशन आती है यहां पर एग्जाम सप्लाई की एग्जेप्ट सप्लाई कैसे करके बात करती है हम जानते हैं हमारे जो आउटवर्ड सप्लाई होती है उसको तीन भागों में बांट सकते हैं एक होती है अपनी यहां पर टैक्सेबल सप्लाई एक होती है जीरो रेट सप्लाई और एक होती है अपनी एग्जेम्प्टेड सप्लाई हमें टैक्सेबल सप्लाई करस्पॉन्डिंग आई टी सी अवेलेबल हो जाता है तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा हमें जीरो रेट सप्लाई के करस्पोंडिंग भी आई टी सी अवेलेबल हो जाता है लेकिन हमें एग्जेम्पटेड के अगेंस्ट में आई टी सी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है तो हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि एग्जेप्ट सप्लाई क्या होती है इसको तीन भागों में बांटते हैं जो कि निल रेटेड है जो हंड्रेड परसेंट एग्जेपन की चादर यानी दुपट्टा ओढ़कर बैठी है या जो नॉन टैक्सेबल यानी कि डीजल पेट्रोल और अपनी शराब वराब जो होती है ये सब यहां पर आ जाते हैं तो इन सभी को जोड़ने के बाद एग्रीगेट टर्न निकालते हैं तो सरकार ने कूड़ा करकट सब कुछ भर दिया है एग्रीगेट को ज्यादा ज्यादा से जादा उठाना चाहते हैं ताकि बंदे जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाने की कैटेगरी में आ जाएं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रेशन पर्पज के लिए एग्जाम को जोड़ना उचित नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने जानबूझकर इसको ऐड किया है यानी कि डीजल पेट्रोल जैसे हमारा कोई वास्ता भी नहीं है उसको भी ऐड कर रहे हैं ताकि आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी यहां पर आकर हो जाए तो क्या बोलते हैं एग्जाम सप्लाई का मतलब है विच अट्रैक्ट निल रेट ऑफ ड्यूटी

जीरो रेट सप्लाई यानी कि दोनों अलग अलग यहां पर करवाई जाती हैं, वैसे करके बोल दिया जाता है यस सर बिल्कुल शिवा आगे बात करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट की जहां तक सवाल है इसके जीएसटी में यूज का तो वो कहां पर किया जाता है गेट नंबर चार पर जब हम टैक्सेबल पर्सन अपना पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता है कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट है और वो एक इंडिविजुअल या एच के रूप में है तो उसको गेट नंबर चार से आउट कर देते हैं उसे नॉन टैक्सीबल पर्सन के नाम से बुलाया जाता है राइट बेबी यस सर लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट है कौन क्या है सचिन में तो यहां पर आकर बोलते कि जो व्यक्ति खुद खेतों में जाके फावड़ा चलाता है जो एक्टिव मोड में अपनी खेती कर रहा होता है या फिर स्वयं कर रहा होता है सेल्फ कर रहा होता है या फिर परिवार के फैमिली मेंबर्स जो हैं वो यहां पर खेती कर रहे होते हैं परिवार की परिभाषा भी हम पढ़ेंगे अभी चलकर नीचे लिखी हुई है या उसके फैमिली मेंबर्स खेतीबाड़ी कर रहे हैं एक्टिव मोड में या फिर हो सकता है कि वो एक्टिव मोड में खेतीबाड़ी नहीं करता बड़ा जमींदार आदमी है तो वो एक क्या करेगा सर वो ये करेगा कि जो लेबर होती है हायर्ड लेबर उस हायर्ड लेबर को हायर करके चलेगा और लेकिन उस हायर्ड लेबर को यानी कि वो खुद या फिर फैमिली मेंबर कंट्रोल कर रहे होंगे सुपरवाइज कर रहे होंगे तो इसे बोलते हैं हम लोग पैसिव खेती जो एक्टिव या पैसिव किसी तरह की खेती में लगा हुआ है उस व्यक्ति को एग्रीकल्चरिस्ट के नाम से यहाँ पर बुलाया जाता है यहाँ पर एक शब्द आया था फैमिली उस फैमिली वर्ल्ड का मतलब क्या है फैमिली वर्ल्ड को हम दो सर्कल में देखकर चलते हैं ये अपना इनर सर्कल है जैसे दिल्ली करॉट प्लेस में अलग अलग सर्कल बने हुए हैं इनर सर्कल के अंदर आते हैं हम दो और हमारे दो हम दो और हमारे दो चिंटू मिंटू ये सभी के सभी आपके फैमिली का पार्ट होते हैं लेकिन अगर हम आउटर सर्कल की बात करें तो इसमें आते हैं इनके मम्मी पापा उनके मम्मी पापा दादा दादी मतलब पापा के मम्मी पापा मम्मी के मम्मी पापा नहीं नाना नानी नहीं पापा के मम्मी पापा ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वो आ जाती हैं यहां पर आकर एंड उसके बाद में फिर साइड में भाई बहन आ जाते हैं अपने पे आके ठीक है जी तो ये आउटर सर्कल में जो आ रहे हैं ये तभी फैमिली का हिस्सा बन के चलेंगे यदि वो होली या मिलनी आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो अदरवाइज नहीं लिखा है स्पाउस एंड चिल्ड्रन जीवन साथी और बच्चे यानी कि हम दो हमारे दो ऑलवेज अनकंडीशनल फैमिली का हिस्सा हैं लेकिन पेरेंट्स ग्रैंड पा ब्रदर सिस्टर एटसेट्रा ये तभी आएंगे जब ये होली या मिलनी डिपेंडेंट हो हमारे ऊपर ऐसे करके बोल दिया जाता है ठीक है जी ऑथोराइज बैंक क्या होता है मैंने आपको जीएसटी पोर्टल के थ्रू भी बता रखा है कि जब हम चलान क्रिएट करते हैं उसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर ऑथोराइज बैंक की लिस्ट आ जाती है जिसके थ्रू हम अपना डिपॉजिट कर पाते हैं तो जिन बैंक्स का टाइप है जीएसटी पोर्टल के साथ उन्हीं को ऑथोराइज बैंक बुलाया जाता है जो कि सरकार के बिहार पर जीएसटी वगैरह कलेक्ट करने के लिए अपने टाइप अप करे गए हैं इसका पूरा प्रोसेस मैंने यहां पर दे रखा है बात को अच्छे से समझाने के लिए बोर्ड क्या है बोर्ड है सीबीआईसी डायरेक्ट टैक्स के लिए सीबीडीटी होता है और यहां पर आपका सीबीआईसी काम करके चलता है बिजनेस क्या है सब कुछ बिजनेस की परिभाषा में आ जाता है लगभग सब कुछ बिजनेस की परिभाषा के अंदर आपका आ जाता है ये जस्ट एक बार रीड कर सकते हैं अदरवाइज आवश्यकता तो है नहीं बिल्कुल भी आगे बात करते हैं कैपिटल गुड्स इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज की यहां पर यह मेरा बिजनेस है मैं आपसे यहां पर फीस ले रहा हूं और भाई साहब फीस लेकर अभी मैं मैं परिवार को मैं चला रहा हूं और यहां मुझे जीएसटी भरना पड़ता है बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको क्या लगता है कि बस यही है और कुछ नहीं है खर्चे भी होते हैं मैं अपने लिए जो परचेस करता हूँ इनवाट सप्लाई लेकर आता हूं उसमें दो प्रकार की बात की जाती है मैं गुड्स भी खरीद कर लाता हूँ और मैं सर्विस भी लेकर आता हूं तो जिन सर्विसेज या गुड्स को मैं अपने बिजनेस के लिए लेकर आ रहा हूं वो तो तमाम सर्विस मेरी इनपुट सर्विस बन जाती हैं इनपुट सर्विस बनने पर जो इनपुट टैक्स यहाँ पर जन्म लेता है उस इनपुट टैक्स का मुझे यहाँ पर आई अवेलेबल हो जाता है जो मैं गुड्स लेकर आया हूँ अपने बिजनेस पर्पज के लिए उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि ये बताइए जो गुड्स है वो आपका कैपेक्स है या फिर वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसे कैपिटल गुड्स के नाम से बुलाया जाता है और अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसे इनपुट के नाम से बुलाया जाता है लेकिन आप गलती कर जाएंगे किसी ने पूछ लिया कि बताइए फ्लैट खरीदा ऑफिशियल ऑफिस उफिश बनाने के लिए वो कैपिटल गुड्स है कि इनपुट है तो आप यहां देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कैपिटल गुड्स बोल देंगे नहीं मालिक गुड्स का मतलब ही मूवेबल प्रॉपर्टी से होता है तो आपको पहले ये देखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टीज अगर इन मूवेबल का तड़का मार दिया तो वो मेरे लिए कुछ भी नहीं होता है राइट बेबी यस सर तो लिखा है जिनको कैपिटलाइज किया गया वो कैपिटल गुड्स जो कैपिटल गुड्स नहीं बन पाए यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे वो आपके बनेंगे इनपुट यहां पर आकर और किसी भी तरह की सर्विस जो ली है आपने अपने यूज्ड और इंटेंडेड टू तो बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज के लिए वो आपकी यहां पर आकर बन जाती है इनपुट सर्विस यूज जो है सबके लिए कॉमन वर्डिंग्स है यूज और इंटेंडेड टू तो बी यूज होना चाहिए बिजनेस पर्पज के लिए यूज और इंटेंडेड टू बी यूज होना चाहिए आपके बिजनेस पर्पज के लिए फायर फाइटिंग व्हीकल अपने बिजनेस के अंदर में लेकर आता हूं अभी तो यूज नहीं हो रहा है भविष्य में उसका मैं यूज करके चलूंगा भले अभी एक्चुअल यूज में नहीं आ रहा इंटेंडेड टू यूज जरूर है तो ऐसे में उसका क्रेडिट भी मुझे यहां पर आकर अवेलेबल हो जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे कल वाले के विनती कर रहा हूं विंती, हाथ कर, क्योंकि तुम पर मेरा बस तो चलता है नहीं लट्ठ मार देता मैं मैं तुम्हारी जो वीडियोस दे रहा हूं मैं डेली दूंगा आपको भी आपको दिखा रहा हूं ठीक है भाई डेली का डेली करते रहना और जो मैंने आपको वहां पर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखने के लिए दिया है वो जरूर जरूर लिखिएगा इट्स ए रिक्वेस्ट और अगर नंबर शानदार ना आए तो ब्लेम ठोक देना मेरे ऊपर कि आपने हमारा समय खराब किया हम कह रहे हैं आपसे ठीक मेरा टारगेट ये है कि मैं अपने सिर्फ जीएसटी के दम पर आपको पूरा पेपर पास करा दूंगा यानी कि 50 में से 40 प्लस मार्क्स आपके इस पेपर में आएंगे ही आएंगे जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करते रहना कैजुअल ये होते हैं देसी बंजारे कब आएगा मेरे बंजार, तेरी बंजार देसी बंजारे होते हैं ये वो लोग होते हैं जो एक अपने स्टेट से एक ऐसे स्टेट में आकर बिजनेस करने के लिए आते हैं जहां पर कि इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है वहां पर आते कारोबार करने के लिए दूसरा ये कोई लगातार कारोबार नहीं कर रहे हैं ये ओकेजनली यहां पर कारोबार करने के लिए आते हैं सरकार ने ऑब्जेक्टिव बनाया कि ऐसे लोगों को हमें हर हाल में जीएसटी भरवाना ही है तो उसके लिए घेराबंदी करी सबसे पहले कहा गया इनको थ्रेशोर लिमिट दस बीस चालीस की लिमिट हम नहीं अवेलेबल कराएंगे दूसरी बात बोली इनका सेक्शन ट्वेंटी फोर के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा फाइव डेजन एडवांस और बोला गया इनको एडवांस में अनुमान के आधार पर टैक्स भरना पड़ेगा कितना ग्रॉस या नेट नेट टैक्स लाइबिलिटी दैट इज द अमाउंट इज पेबल पेबल मे बी थ्रू ई कैश लेजर उतना तक अमाउंट इनको यहां पर एडवांस में डिपॉजिट कराना पड़ेगा बिजनेस चल रहा है और अमाउंट खत्म हो लिया है तो खत्म होने से पहले आपको और जमा कराना पड़ेगा जैसे मोबाइल के अंदर दो कनेक्शन होते हैं एक पोस्ट पेड और एक प्रीपेड होता है पोस्ट पेड महीने भर तक बात कर लो अगले महीने पेमेंट कर दो वो पोस्ट पेड हो गया लेकिन ये यहाँ प्रीपेड मैनर में काम करके चल रहा होता है रिचार्ज पहले से कराना होता है तो लिखा है वो व्यक्ति जो ओकेजनली दूसरे स्टेट या यूटी के अंदर कारोबार करने के लिए आता है जहां पर किसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता जो गोले गोले खींच रहा हूं ना रिवाइज करने में बड़ी आसानी होगी जब रिवाइज करने बैठोगे तो सिर्फ की को देख लेना आपको पूरी पिक्चर वहीं पर समझ में आ जाएगी बड़ा फास्टर वे में आपका रिविजन हो जाएगा यहां जो पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं मैंने इनको बोला है कि इनका जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है थर्टी डेज का समय नहीं दिया जाता है इनको बल्कि फाइव डेज इन एडवांस इनको रजिस्ट्रेशन यहां पे करवाना होता है और फाइव डेज इन एडवांस ही इन्हें जीएसटी का पेमेंट भी अपना करना होता है ऐसे करके और इनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है मैं देखकर बोल रहा हूं मेरे बच्चा ने बताया है इनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसकी लाइफ होती है 90 plus 90 days, maximum 180 days तक ये हो सकता है First go में आपको 90 दिन से ऊपर का नहीं मिलेगा हाँ, अगर need based बढ़वाना चाहते तो अगले 90 दिनों के लिए और बढ़वाया जा सकता है इसका विदेशी भाई है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन करके इसमें और उसमें अंतर क्या है और समानता क्या है समानता वही है कि इसको भी एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इसको भी एडवांस में जीएसटी का पेमेंट करना होता है और इसके भी आरसी की लाइफ 90 प्लस नाइन्टी डेज होती है अंतर क्या होता है जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है और जो एन होता है कैजुअल टैक्सीवल पर्सन एक स्टेट या यूटी के बॉर्डर को पार करके आता है और जो ये बंदा है ये एक कंट्री के बॉर्डर को पार करके आता है अमेरिका से इंडिया में आया तो इंटरनेशनल बॉर्डर को पार किया है और ये स्टेट बॉर्डर को यहाँ पर पार अपना करके चल रहा होता है दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब बोलते हैं कि उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है तो नो फिक्सड बिजनेस स्टैब्लिशमेंट इसका कोई ब्रांच ऑफिस वगैरह नहीं है ऐसे बोलते हैं जबकि यहाँ पर आकर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कंट्री की हम बात कर रहे हैं कि भाई जिस स्टेट में कारोबार करने के लिए आ रहा है कैजुअल टैक्स पर्सन के लिए जिस स्टेट या यूटी में कारोबार करने के लिए आ रहा है उस स्टेट या यूटी के अंदर इसका स्थायी ठिकाना नहीं है अब चूंकि दूसरा वाला बंदा इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके आ रहा है तो शब्द ऑटोमेटिकली चेंज होंगे कि उसका इंडिया के अंदर कहा रहे? इंडिया के अंदर कोई स्थायी ठिकाना नहीं है ना ही उसका रेजिडेंस और ना ही उसका बिजनेस प्लेस है यहां पर सिर्फ बिजनेस प्लेस की बात करते हैं यहां पर रेजिडेंशियल हो या बिजनेस प्लेस कोई भी नहीं है कुछ भी नहीं है उसका एक कीला कांटे भी नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के नाम से बुलाते हैं अगली बात निकल के आती है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन बेस्ड होता है लेकिन विदेशी के पास पैन कहां से आएगा सर विदेशी के पास पैन नहीं आएगा उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पासपोर्ट के बेस पर यहां करवाया जाता है जो कैजुअल टैक्सअल पर्सन है चूंकि देसी है इसको नॉर्मल तरीके से अपना जीएसटीआर वन और थ्री बी अपने फाइल करने होते हैं जबकि जो नॉन रेजिडेंट टेक्सअल पर्सन होता है इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्म बताया जाता है स्पेसिफिक डेट होती है यानी जीएसटीआर वन और थ्री बी एनआरटी पी को फाइल नहीं करने होते अलग फॉर्म के अंदर इनको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है तो दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं ऐसा हमें देखने के लिए आगे मिलता है राइट बेबी यस सर तो लिखते हैं जो ओकेजनली आ रहा है गुड्स या सर्विसेज की ट्रांजैक्शन करने के लिए और उसका इंडिया के अंदर कोई फिक्स्ड बिजनेस प्लेस या रेजिडेंशियल प्लेस नहीं है वैसे करके बात करते हैं कॉमन पोर्टल क्या है जीएसटी पोर्टल को ही हम लोग कॉमन पोर्टल के नाम से बुलाकर चलते हैं जो कि हैंडओवर किया हुआ है जीएसटीएन नामक कंपनी को जिसका सेक्शन एट के अंदर ऑफ कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी हो है अपनी जीएसटीएन करके ठीक और यहां पर जो फंडिंग आती है पैसा जो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो होती है पर फंडिंग करती है और पीछे आपकी इन्फोसिस जुड़ी हुई है आपको बता दू लेटेस्ट अमेंडमेंट के मुताबिक ये जो यहाँ पर आ रहा है अब इसके ऊपर भी जीएसटी लगाया जाएगा क्योंकि यहां से तो पहले से ही जीएसटी लगता था लेकिन आगे जीएसटी ना होने के चलते इसका आईटीसी नहीं मिल पाता था सो so दैट इसका आईटीसी भी अब यहां पर क्लेम कर पाएंगे तो जीएसटीएन की जो सर्विस है नाउ इट इज टैक्सेबल आगे आता है कंसीडरेशन कंसीडरेशन का क्या मतलब है देखिए बदले में जो कुछ भी आपके पास में आ रहा है समथिंग आपने सप्लाई करी गुड्स की सर्विस की सर्विस की एक्टिव करी पैसिव करी वडेवर एंड समथिंग इन रिटर्न जो भी आपके पास में आया है उसे यहाँ पर कंसिडेशन के रूप में बुलाकर चलते हैं अब जो लॉट के आया है ये मॉनिटरी फॉर्म में हो सकता है यह आपका नॉन मॉनिटरी फॉर्म के अंदर हो सकता है राइट वे यस सर अब इसमें कुछ <coughs> सवाल और जुड़ जाते हैं जैसे कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है क्या उसे का हिस्सा बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा तो बाबू मेरे मैं आपको बता देना चाहता हूं, सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कंसिडरेशन नहीं होता वो अमानती पैसा है अभी हम उसे कंसीडरेशन नहीं बोलेंगे उसे जीएसटी के दायरे में नहीं लेकर आएंगे लेकिन हाँ इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ कि वो जो कंसीडरेशन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आया था उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को एडजस्ट कर लिया जाता है अगेंस्ट रेंट एटसेट्रा मान लो किराए पर आपने बिल्डिंग ले रखी थी तो जब जितना पैसा एडजस्ट हो जाएगा तब उतना पैसा कंसीडरेशन का हिस्सा बनता चला जाता है एंड लाइबल टू जीएसटी हो जाता है आगे बात करते हैं इसमें हम गवर्नमेंट सब्सिडी की बात करते हैं हमें अच्छे से पता है जब सेक्शन पंद्रह हम वैल्यूशन का पढ़ के चलते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी को हम इंक्लूड नहीं करके चलते उस पर जीएसटी नहीं आता है जब जीएसटी नहीं आता है तो उसे कंसीडरेशन बोलने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है इसे कंसीडरेशन नहीं बनाया जाएगा दूसरा जो नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी होती है उस पर जीएसटी लगाया जाता है तो इसे कंसिडेशन हमें बोलना ही पड़ेगा ऐसी वाली बात यहां पर आकर बोल दी जाती है साहेब अब यहां रेसिपियंट वर्ड लिखा हुआ है रेसिपियंट किसे कहते हैं सीरियल नंबर सीरियल नंबर कुछ नहीं काट देना सर रेसिपियंट वो व्यक्ति होता है दैट इज लाइबल टू पे कंसीडरेशन उस व्यक्ति को हम लोग यहां पर रेसिपियंट के नाम से बुलाते हैं लेकिन जहां पर आपकी सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हम जानते हैं शेड्यूल वन के मुताबिक चार तरह की जो सप्लाई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने पर भी सप्लाई अपनी बन जाती है तो ऐसे वाले मामले के अंदर जिस पर्सन को हम एक्चुअल में गुड्स दे रहे हैं या सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं वो बंदा यहां पर रेसिपियंट के रूप में काउंट किया जाएगा जैसे कि मैं आई ऑफिसर को पढ़ाता हूँ लेकिन मुझे पैसा मिलता है भारत सरकार से बिलिंग करता हूं भारत सरकार के नाम पर तो यह पेड वाली एक्टिविटी है तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मेरी यहां पर आकर बन जाती है लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा होता कि मैं आई ऑफिसर को फ्री में पढ़ाने के लिए जाया करता तो ऐसे वाले मामले में वो आई ऑफिसर खुद यहाँ पर आकर रेसिपियंट बन जाते और जो एजेंट होता है उसको भी इसमें शामिल करके चलते हैं जी ठीक है जी तो बोलते हैं द पर्सन हु इज लाइबल टू पे कंसीडरेशन और अगर फ्री वाला मैटर है तो जिसको डिलीवरी दी है गुड्स की या जिसको सर्विस सरेंडर की है आपने वो वो व्यक्ति यहां पर का दर्जा ले लेता है ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है ठीक है जी कंसिडेशन में कौन सा वाला अश्लीषा मुझे बताओ जरा उसके बाद क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की हम लोग बात करके चलते हैं ठीक अश्लीषा आगे बढ़ जाओ बेटा यहां पर ना कुछ रह जाए तो फोन कर लेना मुझे क्रेडिट नोट और डेबिट क्योंकि मैं पता है आपका जो रिविजन वीडियो बना रहा हूँ ये तब के लिए है स्पेशली जब आपका एग्जाम होगा इसलिए मैं इसमें कोई भी इधर उधर की बात करके एक सेकंड भी आपका जाया नहीं करना चाहता तो आप यहां देखते रहिएगा ठीक है जी और आगे आगे दौड़े बाबू आगे आगे दौड़े आगे आगे जी तो यहां पर हम जानते हैं कि एक होता है हमारा ये इनवॉइस है ना मोटे पेट का ये इनवॉइस होता है और इनवॉइस जो है अपना बाबू मेरे हाँ <laughs> इनोवाइस होता है और इनवाइस के दो हाथ हैं एक इधर साइड में होता है और एक ऐसे झुका हुआ होता है इसको अगर मोटा करना है फुलाना है गैस भरनी है तो यहां पर आता है पॉजिटिविटी के साथ डेबिट नोट और इसे घटाना है हवा निकालनी है इसकी तो यहां पर आ जाता है आपका क्रेडिट नोट जैसे किसी भी एटम के तीन टुकड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन आपका ये रहा <coughs> न्यूट्रॉन न्यूट्रल आपका ये रहा और इलेक्ट्रॉन आपका माइनस फिगर ये रहा ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है ठीक अगर मान लीजिए हमने पास्ट में कम वैल्यू का कर दिया है तो उसकी भरपाई करने के लिए पूरा करने के लिए हम इसमें उसके लिए एक डेबिट नोट यानी कि सप्लीमेंट्री इन्वॉइस इश्यू कर देते हैं दूसरी अगर हमने पास्ट में कोई कम वैल्यू का अंडर वैल्यू का इनवॉयस सॉरी सौर, ज्यादा वैल्यू का इन्वॉइस हमने इश्यू कर दिया है उसको कम करना उसकी हवा निकालनी है तो हवा निकालने के लिए हम क्रेडिट नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम जानते हैं कि जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होते हैं ये पार्ट ऑफ इनवॉइस है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये दोनों डॉक्यूमेंट भी इनवॉइस की तरह ही बिहेव करके चलेंगे जैसे कि इनवॉइस कौन इशू करता है सप्लायर सो डेबिट क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा सप्लायर दूसरा इनवॉइस का आगे के ट्रीटमेंट क्या है जीएसटी पोर्टल पर वो जाता है जीएसटी आर वन के अंदर जाता है और सप्लायर के ई लाइबिलिटी रजिस्टर को बढ़ा देता है ऐसे ही डेबिट नोट क्या करेगा सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं वो भी इसी रास्ते पर जाएगा जाएगा अपकमिंग के अंदर दिखाया और सप्लायर की को बढ़ा देगा उसके बाद इनवॉयस आगे क्या करता है इनवाइस टू बी में जाता है और रेसिपियंट को आईटीसी दिलवा देता है ऐसे ही डेबिट नोट भी टू बी के माध्यम से रेसिपियंट तक पहुंचेगा और उसको आईटीसी दिलवा देगा जहां तक सवाल है क्रेडिट नोट का तो यह अपोजिट है अपोजिट कैसे है कि जब ये जीएसटीआर आर वन के अंदर होकर जाएगा तो ये सप्लायर की जो लाइब्रिटी है उसको कम कर देगा बिकॉज इनवॉइस की वैल्यू कम हुई थी तो सप्लायर की लाइब्रिटी भी कम होगी टू बी के माध्यम से पहुंचेगा तो रस्सी पिंट के आईटीसी को भी कम कर देगा यानी जिन रास्तों पर इनवॉइस चलता है उन्हीं रास्तों पर आपके डेबिट क्रेडिट नोट चलते हैं एक बढ़ाता है एक में पॉजिटिविटी भरी हुई है एक में नेगेटिविटी भरी हुई है यानी कि ये ये जो है अपना जहां पर जाएंगे पॉजिटिविटी चीजों को बढ़ाएंगे और ये जहां पर जाएगा चीजों को घटा कर चलेगा इनवॉइस की वैल्यू बढ़ाई सप्लायर की लाइब्रेटी बढ़ाई का आईटीसी बढ़ाया इसने सप्लायर की इनवॉइस की वैल्यू घटाई सप्लायर की लाइब्रेटी घटाई और रेसिपियंट का आई भी इसने यहां पर आकर घटा दिया है डेबिट नोट से सरकार को एक्स्ट्रा आमंदनी मिलती है इसलिए उसके लिए उन्होंने कोई किसी प्रकार की लास्ट डेट नहीं रखी हुई है क्रेडिट नोट जो होता है यहां से सरकार को ऑबियसली बात है लाइब्रिलिटी कम होती है सरकार क्रेडिट नोट को पसंद नहीं करती है इसके लिए इन्होंने यहां पर एक टाइमलाइन रखी हुई है अगले फाइनेंशियल ईयर का थर्टीथ नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर जो होगा वहां तक क्रेडिट नोट अपना इश्यू किया जा सकता है वो वाली बात आपके लिखी ये रहा क्रेडिट नोट ये रहा आपका डेबिट नोट सप्लायर ही इशू करके चलेगा सप्लीमेंट्री इन्वायस के नाम से बुला के चलते हैं किसी वजह से अंडर इन्वाइसिंग हुई है तो उसको पूरा करने के लिए इशू किया जाता है और इसमें अपनी लास्ट डेट जैसी कोई बात नहीं होती जबकि यहां पर इस वाले में अपनी जो लास्ट डेट की हम बात करके चलते हैं वो यहां लास्ट डेट मालिक होती है राइट सर ओके सर जी वेरी गुड डेबिट क्रेडिट नोट पर मैंने एलिस्ट्रेशन यहां पर दिया हुआ है अपना ये आप चाहें तो उसे देख सकते हैं आगे आता ई लाइबिलिटी रजिस्टर ई कैश लेजर ये सब आप लेजर जानते हैं पहले से इनमें कुछ थ्योरी वाली कोई बात नहीं है आगे बात करते हैं इंडिया की डेफिनेशन में क्या आता है इंडिया की डेफिनेशन में आपका जो लैंड मास वाला एरिया है ये तो इंडिया में आएगा ही आएगा साथ में आपका जो 12 नॉटिकल माइल का ये जो पानी है जैसे आपके घर के बाहर रैंप होती है मेरा इंडिया भी एक घर है उस घर के बाहर की रैंप है ये बारह नोटिकल माइल का टी डब्ल्यू आई जो घर के बाहर की रैंप है वो आप ही के घर का हिस्सा है आप ही की प्रॉपर्टी आपके प्लॉट का ही पार्ट है ऐसे ही ये बारह नोटिकल माइल का एरिया भारत का है इसके जो जमीन इसका आकाश हो पाताल हो सब वो अपने भारत की कैटेगरी में ही आता है हवा हो पानी हो इसके नीचे चले जाओ सब इंडिया है इसके बियॉन्ड भी आगे चलते हैं आगे क्या मिलता है अगर ये बेस लाइन और ये जीरो पर है यहां बारह नॉटिकल माइल अपने होते हैं यहां टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स अपने होते हैं तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एक सौ अट्ठासी नोटिकल माइल का इफेक्टिव एरिया आ जाता है इसके सरफेस को देखते हैं तो यहां पर आता है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से बुलाते हैं और पानी में डुबकी मारते हैं जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी में था तो उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं इस एरिया के अंदर जो भी आपके ऑयल रिक्स होते हैं उन ऑयल रिक्स वाले एरिया को हम लोग डीम्ड इंडिया का दर्जा देकर चलते हैं एक्चुअल वो इंडिया है नहीं बल्कि उसे डीम्ड इंडिया कहा जाता है और जो डीम्ड इंडिया वाला एरिया है उसे क्या मानेंगे उसे कौन से स्टेट में फॉल करा के चलेंगे ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं अगर मुझे इस पॉइंट को यहां जो टी डब्ल्यू आई के अंदर अगर मेरा कोई पॉइंट आया है और उसको मुझे बताना है कि भाई ये कौन से एरिया कौन से स्टेट या यूटी में क्लासिफाई करके चलूंगा तो यहां पर सेक्शन नाइन आता है आईजीएसटी एक्ट का वो बोलता है कि जो भी आपका नियरेस्ट स्टेट या यूटी आ रही हो उसके हिसाब से क्लासीफाई कर दिया जाएगा लेकिन जो डीम्ड इंडिया वाला एरिया है इसके ऊपर सेक्शन नाइन ऑफ आई एप्लीकेबल नहीं होता है इसके लिए कुछ और ही हमें देखना पड़ेगा तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारे पास एक परिभाषा आती है यूनियन टेरिटरी की यूनियन

तो यहां पर आके कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा एरिया जो किसी स्टेट या यूटी का हिस्सा ना बनता हो तो बचा क्या बे इंडिया क्या स्टेट और यूटी तो है इंडिया टीडब्लू की बात हमने करी ली कि भाई में क्लासिफाई करके चलेंगे तो यहां पर बोलते कि एक ऐसा एरिया तो ऐसे एरिया में हमें दिखाई देता है ये अपना डीम्ड जो इंडिया वाला एरिया है यह इंडिया है नहीं माना गया है अपने देशों की पूर्ति के लिए हम परायों को अपना मान लेते हैं और अपनों को पराया कर देते हैं अगर ऐसे अपना मान लेने से कोई अपना हो जाता तो किस -किस ना जीएसटी है, है। तो मतलब तो की बात करके चलेंगे सीजीएसटी और यूटी जीएसटी आ जाएगा अपना सीजीएसटी सीजीएसटी फंड में चला जाएगा और जो जी यूटी जीएसटी है बाबू मेरे वो भी यूटी जीएसटी फंड में जाएगा जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल करके चलती है तो यह है अपना इंडिया का पूरा सिनेरियो यहां पर आकर ठीक है जी यस सर यस सर यस सर हां सिक्स यूटी बन गई मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो प्योर यूटी है वो फाइव प्लस वन सिक्स है ऐसे करके ठीक ओके सर जी इनवाट सप्लाई की बात कर रहे हैं तो जो भी सप्लाई मैं ले रहा हूं अपने बिजनेस पर्पज के लिए वो मेरी इनवाट सप्लाई बनती है चाहे रेंट पे लिया चाहे खरीद के लाया चाहे जैसे मर्जी लाया सप्लाई हो और ली हुई हो दैट इज कॉल्ड इनवाट सप्लाई इसका रोल क्या है रोल यह है कि इससे जन्म लेता है देखो यहां इनवार्ड सप्लाई होती है यहां आपकी आउटवर्ड सप्लाई होती है ठीक बाबू हाँ जी आम के पेड़ पर आम लगता है केले के पेड़ पर केला लगेगा इनवार्ड सप्लाई से अगर कोई जन्म लेगा तो वो इनपुट टैक्स होगा

इनपुट टैक्स और उसके बच्चे का नाम पड़ेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट इसलिए हमें इनवर्ट सप्लाई, सप्लाई ले रहा हूं और आरसी में टैक्स भरना पड़ रहा है कोई बात नहीं है तो इनवर्ट सप्लाई का बच्चा ना ऑलवेज इनपुट टैक्स ही आएगा आम के पेड़ पर केला नहीं आ सकता इसलिए इनवर्ट सप्लाई से चाहे कुछ भी हो जाए आउटपुट टैक्स जन्म नहीं ले सकता है इनपुट टैक्स क्या है इनवॉर्ट सप्लाई से जन्मा इनपुट टैक्स है चाहे वो इनवर्ड सप्लाई एनसीएम की हो चाहे वो आरसीएम की हो चाहे वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो इंपोर्ट ऑफ गुड्स को अलग से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो आपकी कस्टमरी कैटेगरी में आ जाता है उस पर आर सी एनसीएम जैसी बातों का बखान नहीं किया जाता है वहां से इंपोर्ट किया तो अकॉर्डिंगली हम बात करके चलते हैं तो अलग से बोल दिया कि वो भी आएगा तो एनसीएम की सप्लाई हो आर की सप्लाई हो अपनी है ना तो वो सब यहां पर मालिक बात करके चलते हैं और साथ में आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स है उसकी बात भी करी जाती है अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा यहां पर आकर मान लीजिए वहां पर एक कंपोजिट सप्लायर है उससे मैं इन्वर्ट सप्लाई अपनी ले रहा हूं ऑब्वियसली बात है वो बंदा मुझे बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा और मुझसे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा बल्कि अपनी पॉकेट से ही एक परसेंट सरकार को भर देगा क्या मुझे एक परसेंट का आईटीसी मिल जाएगा द आंसर इज नो सेक्शन 16 जो आईटीसी के चैप्टर में पढ़ने को मिलती है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपके पास एक टैक्स पेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए आईटीसी को बुक करने के लिए जबकि ऑफ सप्लाई के अंदर मुझसे एक ढेला भी चार्ज नहीं किया जाता वन परसेंट वो अपनी पॉकेट से ही पे करके चलता है तो लॉजिकली एथिकली भी देखे तो मेरे पास डॉक्यूमेंट है नहीं मैं आई बुक ही नहीं कर सकता लेकिन सरकार ने तो एक कदम आकर चल के बोल दिया है कि जो वन परसेंट वो पे कर रहा है वो इस आदमी के लिए इनपुट टैक्स माना ही नहीं जाएगा अगर इनपुट टैक्स माना ही नहीं जाएगा तो भाई साहब कभी भी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात वहां पर हो ही नहीं सकती है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे बाब एक बात पूछूं आप सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं डेफिनेशन के एप्लीकेशन भी पढ़ रहे हैं और बहुत सारी बातें यहां वहां से इकट्ठी होकर आपके सामने आ रही हैं इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड टैक्स पेड बाई कंपोजिट डीलर जो होता है आउट ऑफ हिस्स पॉकेट जो वन परसेंट वो पे कर रहा है वो हमारे लिए इनपुट टैक्स नहीं बनाया जाएगा ऐसे करके बोल देते हैं साहेब आगे आता है यहां पर आउटवर्ड सप्लाई जो आपकी सप्लाई दे रहे हो उसे आउटवर्ड सप्लाई के नाम से जानते हैं आउटपुट टैक्स क्या होता है जो आगे से ले रहे हो वो आपका आउटपुट टैक्स होता है एक वर्ड होता है चार्जेबल एक वर्ड होता है चार्ज्ड मान लीजिए आपसे जो मैं फीस ले रहा हूं उस पर 18 परसेंट जीएसटी चार्जेबल है बट मान लीजिए एक्चुअल में मैंने आपसे 28 परसेंट चार्ज कर लिया गलती से बाई मिस्टेक तो यहां पर आउटपुट टैक्स कितने को बोलोगे अठारह परसेंट को या अट्ठाइस परसेंट को सर विच इज चार्जेबल चार्जेबल ये था अठारह परसेंट दिस इज आउटपुट टैक्स कहा जाएगा ना कि अट्ठाइस को आउटपुट टैक्स बोलेंगे बट एक्सू टैक्स पेबल बाई हिम अंडर रिवर्स चार्ज इन्होंने एक बार फिर से बोल दिया कि सप्लाई पर आरसी में टैक्स तो भर भरना पड़ रहा है मेरे पाप यहां मिलेंगे, मेरे यहां मिलेंगे जिनकी सजा मुझे यहां पर दी जाएगी दैट्स ग्रेट जॉब वर्क क्या है एग्जाम्पल <coughs> दिया था मैंने आपको कि मैं बाजार में गया पत्नी के साथ में और वहां पर जाकर मैंने एक दुपट्टा खरीदा लेकिन पत्नी को कलरफुल दुपट्टा नहीं मिल रहा था तो वाइट रंग का हमने एक दुपट्टा लिया सैटन बोलते हैं शायद कपड़े को उसको और रंगवाने के लिए रंगरेजा के पास जाते हैं हमने दुपट्टा रंगरेजा को दे दिया उसने रंगाई की बढ़िया वाली और हमें वापस कर दिया क्वेश्चन ये है कि जब हमने रंगरेजा को वो दुपट्टा दिया हमने बेचा था कि भेजा था उसको भेजा था वो घटना सप्लाई नहीं बनती जीएसटी की बात नहीं होगी जब उसने हमें काम खत्म करने के बाद वापस कर दिया तो वापसी वाले जो ट्रांजेक्शन है दुपट्टे के उसने हमें दुपट्टा बेचा रंगने के बाद कि भेजा भेजा ये घटना भी सप्लाई नहीं है इस पर भी जीएसटी नहीं आएगा मतलब कि को जारिया हो या जॉब वर्कर से आ रिया हो इन दोनों ट्रांजेक्शन में जीएसटी की बात नहीं होती सप्लाई नहीं बनते लेकिन हाँ अगर जो जॉब वर्कर आदमी है उसने जो भी वहां पर काम किया है अपनी तरफ से जो भी लेबर लगाई है जो भी उसने कलर लगाए हैं गुड्स भी लगाया है तो सेक्शन सेवन रेड विद शेड्यूल टू के मुताबिक जॉब वर्क एक सर्विस है जैसे गदर एक प्रेम कथा है वैसे ही जॉब वर्क एक सर्विस यहां पर काउंट करी जाती है ठीक सर जी कोई बात नहीं है एंड इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है

है कि एक वो व्यक्ति जिसको हम अपना गुड्स ट्रांसफर करते हैं उस पर काम करके वापस लौटा के हमें दे देता है तो ऐसे वाले केस को जॉब वर्कर बुलाते हैं वर्क है है। <coughs> तो ट्रीटमेंट या प्रोसेस कि जो रंगाई हुई थी मुझे कोई भी रंगाई यहां पर कराई जा रही है ऑन गुड्स गुड्स का मतलब क्या था वो जो दुपट्टा था ना वो गुड्स था जो दुपट्टा तो था वो गुड्स था बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन यानी कि मुझसे संबंधित था रजिस्टर्ड पर्सन द एक्सप्रे तो तो उस पे काम कर रहा है तो वो जॉब वर्कर कहा जाएगा और जो व्यक्ति ये काम कर रहा है द द पर्सन हु इज डूइंग जॉब वर्क तो उसको जॉब वर्कर बुला देते हैं क्योंकि पढ़ाने वाले को टीचर्स खेलने वाले को प्लेयर्स तो जॉब वर्क करने वाले को जॉब वर्कर यहां पर बोल दिया जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे चलो रे आगे ये कुछ इलास्ट्रेशन यहां पर मैंने रखे हैं बात को समझाने के लिए आगे बात करते हैं मनी की मनी क्या है क्या है सचिन में तो मनी जो है अपने वो जिसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर होती है उसे मनी कहते हैं इसमें इंडियन करेंसी आ जाती है सौ रुपए का नोट है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है चेक हो डिमांड ड्राफ्ट हो एटसेट्रा प्रोमोसरी नोट हो बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह जो होते हैं इनकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर होती है इनको मनी कहा जाता है ठीक मैं मानता हूं मनी और सिक्योरिटी ना गुड्स हैं ना सर्विस हैं इन पर जीएसटी की बात नहीं होती है लेकिन मनी या सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में जो भी सर्विसेज की बात करते हैं उन सर्विसेज को अगर वो पेड हैं तो उनको सर्विस ट्रीट करके जीएसटी लगा दिया जाता है यह आपकी मनी की डेफिनेशन और इसका जो क्रक्स है वो आपका ये रहा मार्केट प्राइस एंड फेस प्राइस इक्वल होते हैं तो यहां पर मान लिया जाता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई किसे बुलाया जाता है ऑब्वियस सी बात है नॉन टैक्सेबल का मतलब वही आपके आपके जिस पर टैक्स लेवी ना होता हो इसमें फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ जाते हैं ठीक साहेब और आपका एल्कोलिक लिकर जो होता है वो भी आपका यहां पर आकर काउंट करवा दिया जाता है आगे है टैक्सेबल सप्लाई किसे कहते हैं जिस जिसपे टैक्स लेवी हो जाता है उसे टैक्सेबल सप्लाई बोल दिया जाएगा आगे है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या मतलब आगे है आपका नॉन टैक्सेबल टेरिटरी तो भाई मेरे एक बात बताइए आईजीएसटी एक्ट है इसका कवरेज एरिया क्या है होल इंडिया अगर ये टीटी -टी है तो इंडिया को छोड़कर बाकी सारा एरिया एनटीटी बन जाएगा दिल्ली जीएसटी के लिए दिल्ली इज द टैक्सेबल टेरिटरी कवरेज एरिया ये है तो दिल्ली को छोड़कर रेस्ट ऑफ द इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सब इसके लिए बन जाएगा यहां पर आकर एंटिटी एंड सो ऑन आगे लिखा है स्टेट क्या है क्या है सचिन में स्टेट में आपके ट्वेंट इंक्लूड्स ये भी ये भी ये भी का मतलब जो है वो तो हैं है ही <coughs> है जो है वो तो है ही है जैसे कि आपके ट्वेंटी एट स्टेट तो हैं है साथ में आपकी जो मिक्स यूटी हैं वो भी यहां पर आ जाती हैं मिक्स यूटी में दिल्ली भी है पांडिचेरी भी है और लद्दाख को छोड़कर जम्मू कश्मीर वाला एरिया भी है तो यहां पर जम्मू कश्मीर वाला एरिया आना चाहिए लेकिन अभी लॉमिकर ने अमेंडमेंट नहीं किए जो कि हो जानी चाहिए थी ठीक अच्छा जी यूनियन टेरिटरी क्या है अभी हम बात कर रहे थे आपकी जो पांच हैं प्योर वाली वो तो आई गई अंडमान निकोबार लक्ष्मीदीव दादर नगर हवेली दमन दीव इनका मर्जर हुआ था लद्दाख टूटकर प्योर यूटी बन गई थी और चंडीगढ़ पांच हो गई ये आपकी अदर टेरिटरी अदर क्या है जो कहीं भी फॉल ना करती हो वो आपकी अदर में आ जाएगी जैसे कि जो डीम्ड इंडिया वाला प्रोविजन है हमारा वो यहीं से अपना निकल कर आता है उसे अदर टेरिटरी के नाम से जाना जाता है और जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पर भी हमें हमसे पूछता है जब वो कि भाई स्टेट क्या है यूटी क्या है तो वहां पर भी अदर टेरिटरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होता है राधे राधे अब तो बोल दो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे जो अभी तक जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए फटाफट से ज्वाइन हो जाइएगा यस yes, सर आगे बात करते हैं पर्सन की हमें कई बार यह शब्द देखने को मिलता है कि रजिस्टर्ड पर्सन क्या है रजिस्टर्ड पर्सन तो पर्सन में सारे बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन आ जाते हैं चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे आप सोसाइटी हो चाहे आप फर्म हो चाहे आप कंपनी हो चाहे आप कोई एनजीओ एटसेट्रा कोई भी हो आपके जितने भी बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ऑल आर कवर्ड अंडर द वर्ड पर्सन ठीक है जी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है यानी प्रिंसिपल बिजनेस प्लेस ऐसे बोले प्रिंसिपल बिजनेस प्लेस क्या होता है जब आपका काम बिजनेस एक्टिविटीज मल्टीपल प्लेस में होती हैं तो उनमें से एक को आपको बताना पड़ता है प्रिंसिपल प्लेस कब और किसको बताना होता है वेन यू आर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन

द प्लेस एज स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसमें भी हमने ही बताया था जब रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी थी तब एज प्रिंसिपल प्लेस जनरली हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस अपने होते हैं या, जो आपको लगता है जैसे मान लीजिए मेरा स्टूडियो है कहीं पर मेरा बुक्स डिस्पैच का सिस्टम है कहीं पर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं तो दिस इज माई प्रिंसिपल प्लेस इसको बोलूंगा ना जहां पर मैं हूं जहां पर मैं काम कर रहा हूं ठीक है यस सर प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है हम बताएं आपको हम जानते हैं बाबू मेरे एक आती अपनी कॉम्पोजिट सप्लाई आती है कॉम्पोजिट सप्लाई यानी कि जो नेचुरल बंडलिंग होती है उसकी बात करते हैं यानी कि जो अपना पी एन टी का टेस्ट पूरा करती हो पी एन टी का टेस्ट पूरा करती हो टी मतलब टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज हो नेचुरल बंडलिंग हो एंड वन ऑफ द सप्लाई इज द प्रिंसिपल सप्लाई जैसे घर में जिस घर में आप रहते हैं क्या वो घर आपका है हाँ सर हमारा है क्या वो घर मम्मा का है हा उनका भी है भाई बहन का है हाँ उनका भी है पिताजी का है हाँ उनका भी है घर में जितने भी लोग रह रहे हैं सबका है लेकिन अगर मैं आपकी गली में आकर किसी आपके पड़ोसी से पूछूं ये घर किन का है? वो किसका नाम लेगा बताइए वो किसका नाम लेगा वो आपके पिताजी का नाम लेगा कि ये इनका घर है मैंने माना कि उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन उनमें जो मुखिया आदमी है जो हेड पर्सन है उसके नाम से पूरी फैमिली को एड्रेस किया जाता है तो ऐसे ही यहां इस बंडल के अंदर जो भी मल्टीपल गुड्स और सर्विसेज आपके होते हैं उनमें से प्रिंसिपल कौन सा है उसके नाम से पूरे बंडल को बुलाया जाता है उसी का जीएसटी रेट यहां पर एप्लीकेबल करा दिया जाता है अब प्रिंसिपल की पहचान कैसे हो आपके हमारे घर में देखोगे तो भाई मम्मा ही प्रिंसिपल होती है पापा तो बस नाम के प्रिंसिपल होते हैं चलती तो किसी और की डायरेक्शन तो कहीं और से आते हैं पापा तो एक्टर हैं डायरेक्टर तो मम्मी होती है इंस्ट्रक्शन तो वहाँ से मिलती हैं खैर फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए पापा ही हेड बोले जाते हैं वो बोलते हैं कि जब दूसरों पर हावी हो क्या विच कॉन्स्टिट्यूट प्रोडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई जिसके बुलाने से जिसका नाम लेने से पूरा परपज सॉल्व हो जाता है जैसे कि मान लीजिए बोर्डिंग स्कूल की सर्विस है जिसमें एजुकेशन भी है खाना भी है बच्चे के लिए पीना भी है ये वो पचास तरह की और लाख रुपया महीना लिया जाता है तो उनमें प्रिंसिपल एक्टिविटी कौन सी है सर बच्चा वहां गया किस लिए खाना खाने के लिए वो तो घर पर मिलता था कपड़े धुलवाने के लिए वो तो मम्मा धो देती थी सारे काम घर पे हो सकते थे एजुकेशन नहीं हो सकती थी उसका मेन मोटो एजुकेशन है हायर उसका मेन मोटो क्या है

जनवरी फरवरी मार्च ये एक क्वार्टर है ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये प्रीफिक्स करके ब्लॉक्स बने हुए हैं हम जब आई का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे सामने सेक्शन आता है अठारह उसमें बोलता है कि अगर हमने बीच में ही कैपिटल गुड्स को बेच बाच दिया है सेक्शन अठारह का सबसेक्शन सिक्स आता है बीच में बेच दिया है सपोज कीजिए मार्च में हमने खरीदा था अप्रैल में हमने उसे बेच दिया है तो वहां पर आपको क्या करना होता है जो भी आपका आईटीसी है वो रिवर्स करना पड़ेगा और इस सप्लाई को आउटपुट सप्लाई मानते हुए जीएसटी निकालते हैं ये अमाउंट निकलेगा और जो भी दोनों में अधिक होता होता है है वो आपको पे ऑफ करना होता है। तो आईटीसी के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि जितना भी आपने यूज कर लिया उसे ऐसे मानो जैसे फाइव परसेंट पर क्वार्टर और पार्ट देर ऑफ के हिसाब से मुझे बताइए अगर आपने मार्च में खरीद कर अप्रैल में बेच दिया है तो आपने उसे कितने क्वार्टर यूज कर लिया है कहने को देखने को तो एक महीना ही यूज किया है लेकिन पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी पूरा क्वार्टर माना जाएगा मैं तो कहता हूं आपने 31 मार्च को खरीदा और अप्रैल को, को हिट कर गया है उनको टच कर गया है टच में टच में टच डोंट टच माई वो ऐसे कर गया है तो ऐसे में इसको मालिक दस घटेगा घटाने के बाद जो 90% परसेंट होगा दैट विल बी यू ऐसे यहां पर बोल दिया जाता है रजिस्टर्ड पर्सन कौन है जिसकी शादी हो गई जिसकी मांग भर गई इसके हाथ पीले हो गए हैं हल्दी से ज्वाइंटिस से नहीं तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे रजिस्टर्ड पर्सन लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एज ए टैक्स पेयर काम नहीं कर रहे होते हैं उनका पर्पज होता है रिफंड क्लेम करना वो यूआईएन होल्डर होते हैं एम्बे हो गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिस्को यूनिडो यूनिसेफ वगैरह सब हो गए तो इनको जो भी इनवाट सप्लाई होती है इस पर जो टैक्स लगता है टैक्स लगता है लेकिन इनको यहां सरकार से रिफंड मिल जाता है इसलिए इनको एज ए यू नंबर लेना पड़ता है और इनको हम रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बुलाते हैं अगर हमने इनको रजिस्टर्ड पर्सन बुला दिया ही इज नॉट ए टैक्स पेयर ही इज अ रिफंड क्लेमर ये सरकार को देंगे नहीं बल्कि उल्टा लेने वाले हैं तो सरकार को ऐसे लोगों से ज्यादा मतलब नहीं है उनको तो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बुलाया अगर बुला देते तो लॉ में बहुत सारे प्रोविजन ऐसे लिखे हैं जहां पर कह के बुला गया है कि रजिस्टर्ड पर्सन को यह करना है ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। तो बिना बात के झंझट में एम्बेसी वाले इसलिए इनको रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन से बाहर निकाल के रखा है कि इनको शामिल हम नहीं करके चलेंगे आगे आता है आपका शब्द यहां पर मालिक रिमूवल रिमूवल में क्या है आपने क्लासेस ऑर्डर कर दी तो मैं यहां से आपकी जो बुक्स हैं वो डिस्पैच करूंगा जो डिस्पैच वर्ड है यहां रिमूवल रिमूवल हुआ ये भी रिमूवल में आएगा लेकिन कोई बच्चा लोकल का ही बोला डिस्पैच मत करो मैं खुदा के कलेक्ट कर लूंगा उसने कलेक्ट किया किताबें तो यहां भी रिमूव हुई हैं तो रिमूवल वर्ड में दोनों शब्द आ जाते हैं रिटर्न का क्या मतलब है जो भी आप हिसाब बनाकर दे रहे हैं अपना उससे रिटर्न बनाकर बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जब रेसिपिएंट जीएसटी का पेमेंट करे उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बुलाते हैं टैक्स पीरियड क्या है <coughs> जितने समय की आप रिटर्न फाइल करते हैं मंथली या क्वार्टरली एज द केस में भी तो जो रिटर्न पीरियड है उसी को हम लोग टैक्स पीरियड के नाम से बुलाकर चलते हैं क्योंकि रिटर्न और टैक्स साथ में जाते हैं टर्न ओवर इन अ स्टेट एग्रीगेट टर्नओवर के जैसे ही इसकी परिभाषा है सेम लेकिन इसमें जो जोग्राफिकल जो बाउंड्री है वो एक स्टेट तक सीमित कर दी जाती है जैसे मान लीजिए आपके तीन स्टेट में कारोबार हैं यूपी में भी है हरियाणा में भी है और यहाँ पंजाब में भी है ठीक है यहाँ से था दो लाख यहाँ तीन लाख यहाँ चार लाख अगर देखें आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है तो एग्रीगेट तो नौ स्टेट का, इसका इसका यूपी का यूपी में रहा यूपी से यूपी में रहा दो लाख और यूपी से इन्होंने किसी दूसरे स्टेट के लिए बाहर भेजा चार लाख का इन्होंने बाहर भेजा है तो यूपी का टर्न कितना यूपी में काबाह यूपी में बाबा क्या हुआ तो ये जो शब्द है कि टर्न इन स्टेट या टर्न फ्रॉम स्टेट क्या देखे मतलब तो इसको इन मतलब मैं नहीं पढ़ना है आपको देखना यूपी से कारोबार कितना है तो यूपी से वर्ल्ड के अंदर यूपी का यूपी में आता है यानी इंट्रा और इंटर दोनों को यहां पे पकड़ लिया जाता है तो इसका दो नहीं छे काउंट किया जाएगा यूपी का कारोबार छ है है ना टर्न यूपी में या यूपी का कारोबार यूपी का बिजनेस कितना है वो यहां पर देखा जाता है इज इट फाइन ना यस बेबी अदरवाइज <coughs> सारे फीचर सेम है जैसे कि एग्रीगेट टर्न के अंदर थे वैलिड रिटर्न क्या होती है जब हिसाब के साथ साथ हिस्सा भी दिया जा रहा हो रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ उसमें आप टैक्स भी जमा कर रहे हो तो ही उसे हम वैलिड रिटर्न के नाम से बुलाकर चलते हैं अदरवाइज नहीं आगे है अभी इसे लेकर आ रहा हूं मैं आगे है आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट वर्कस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम बात करते हैं मालिक कि जहां पर गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं अपनी आ, जो गुड्स और सर्विसेज आपके होते हैं ना तो वो सिंगल प्राइस पर दिया जा रहा हो एंड जो आपकी रिजल्टेंट प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल हो तो ऐसे वाले केस के अंदर हम उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बुलाते हैं सेक्शन सेवन रेड विद शेड्यूल टू के मुताबिक जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक प्रकार की सर्विस में काउंट किया जाता है राइट बेबी यस सर एग्जामेशन चैप्टर के अंदर बताऊँ कि कई सारी कंस्ट्रक्शन सर्विस को लेकर एग्जाम्शन है जैसे कि घर बनाने के लिए गरीबों का घर गर बना है या अमीन अपनी कोठी बनाई है सिंगल यूनिट तो कंस्ट्रक्शन सर्विस आपकी एग्जम्प्ट होती है लेकिन अगर आपने वहां चीटिंग करी कंस्ट्रक्शन सर्विस के बजाय प्योर ना होकर उसमें गुड्स की मिलावट कर दी वक्स कॉन्ट्रेक्ट ठेके पर घर बनवाया है तो फुली का फुली वो टैक्सीबल हो जाता है ये बात आपकी यहां पर लिखिए किसी भी तरह का काम हो वो आपका यहां पर वक्स कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी के अंदर आ जाता है अब कुछ नई परिभाषाएं यहां आपके लिए एड करी गई हैं मालिक या कुछ नई परिभाषाएं आपके लिए एड करी गई हैं <coughs> तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं <coughs> जिन्होंने अभी पीछे बैच भी लिया था तो आपका जो बैच था वो बैच शुरू हुआ था अगस्त के महीने में हु? और सरकार को पता नहीं क्या सूझी है उन्होंने अक्टूबर के महीने में अमेंडमेंट्स दी हैं कुछ अक्टूबर के महीने में अमेंडमेंट्स आई हुई हैं उन अमेंडमेंट्स का वीडियो मैं आपको अलग से दूंगा और पहला वीडियो मैं आपको कल दे दूंगा ज्यादा नहीं है घबराने की बात नहीं है अमेंडमेंट्स का वीडियो मैं आपको यहां पर कल दे दूंगा ठीक तो ये जो नई परिभाषाएं जुड़ी हैं ये आपकी कनेक्टेड है ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप से संबंधित है थोड़ा सा बताता हूं कैसे करके देखिए यह होता है आपका ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप होता है ठीक कोई एग्जाम्पल दे सकते हो ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप का बस टारगेट एक रखना है बाकी सारे जो अमेंडमेंट दिखने में बहुत है लेकिन एक सूत्र में प्रो के रखा है मैंने सबको आराम से हो जाएगा डोंट वरी सर जी अमेंडमेंट का पीडीएफ मिलेगा अमेंडमेंट का पीडीएफ मिलेगा मैं आपको हैंड रिटर्न हाथ से लिखे हुए नोट्स दूंगा वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और कम शब्दों में बात खत्म हो जाती है पहले मुझे बताइए कोई इस प्रकार के मनी गेमिंग ऐप है कोई ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन जहां पर आप गेम खेलते और पैसे बनाते हैं गेम खेलते और पैसे बनाते तो बच्चा बता रहा है एक सर प्रोबो है अच्छा प्रोबो वर्ड शायद प्रोबेबिलिटी से आया है <coughs> बच्चा बता रहा है एक प्ले क्विज के नाम से है रमी सर्कल के नाम से है सर गुड वेरी गुड हाँ, और एक ड्रीम इलेवन के नाम से है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे और बताइए इनके अलावा एम पी एल है सर अच्छा जी जिसमें पैसा जीतते हैं लोग बस यही है पोकर बाजी ओए, पोकर बाजी ध्यान देना क्या पैसे जीतते हैं उसके अंदर पैसे वाला गेम है ये देखना एक होती है ऑनलाइन गेमिंग जिसमें पैसे वैसे कोई चक्कर नहीं होता जैसे रोब्लॉक्स हो गया मेरे बच्चे खेलते रहते हैं कोई पैसे जीतने जैसी कोई चीज नहीं उसके अंदर हम बात करें उन गेमिंग इसमें पैसे जीतते हैं <coughs> जंगली रमी अच्छा एक आ, आप उसे क्यों भूल रहे हैं एक वो है ना जूपी जूपी लूडो पहले बताओ हा है, है या नहीं है लूडो खेलते हैं जूपी लूडो माई सर्कल वेरी गुड आप तो भाई साहब गजब है सर्कल, वेरी गुड बहुत बढ़िया साबास कोमलोप ये तो मैंने नहीं सुना भाई जूपी है कि नहीं पहले बताओ हां है।, है है, और मैं तो जब अमेंडमेंट आई ऑनलाइन मनी गेमिंग की तो आप देखेंगे मेरे मोबाइल के अंदर जूपी लूडो मैंने डाउनलोड किया मैं यार होता कैसे कैसे काम करता है ये तो पता उसमें पैसे डिपॉजिट करते पे करते एंट्री फीस होती है उसके अंदर तो मैंने एंट्री फीस कितनी भी रख लो एक रुपए दो रुपए पांच हजार दस हजार जो मर्जी रख लो <coughs> मैंने रखी एक रुपए की एंट्री फीस मैंने कहा कम से शुरुआत करते हैं सामने से एक और प्लेयर आता है उसने रखी एक रुपए की फीस तो ये जो जूपी लोडो का जो ओनर है उसके पास कितने पैसे आ गए दो रुपए मैंने अपने पेटीएम वॉलेट से एक रुपए जमा किए सामने से भी एक रुपया आया दूसरा प्लेयर मिला दो रुपए की ये डील यहां पर हो जाती है दो रुपए किसके पास पहुंच गए जूपी लूडो के पास में ठीक सर इसमें यह मनी के अलावा फॉरेन करेंसी में भी खेल सकते हैं क्या अब देखिए जो ये ऑनलाइन मनी गेमिंग है इन पे करेंसी की तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं चाहे डॉलर में खेलो इसमें खेलो पॉउंड में खेलो भाई ऑनलाइन है सारा का सारा अच्छा क्रिप्टो में खेल सकते हैं क्या क्रिप्टो में खेल सकते हैं हां सर क्रिप्टो में खेल सकते हैं खेल सकते मैं आपको बता रहा हूं क्रिप्टो में भी खेला जा सकता है इसके अंदर इनके अंदर ये अलाउ करते हैं ये अलाउ करते हैं वर्चुअल एसेट्स होती है वर्चुअल जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है डिजिटल डिजिटल करेंसी ऐसे बोलूंगा क्या डिजिटल करेंसी में खेल सकते हैं यस खेल सकते हैं अच्छा तो सरकार ने कहा है कि भाई ये जितने भी आपके देख रहे हैं खूब पैसे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे लोग सर कैसे बनाते हैं पैसे बताता हूं इन्होंने क्या कर रखा था कि इसमें रखा हुआ है कि भाई आपको जो प्राइज मिलेगा जीतने पर जो प्राइज मिलेगा वो मिलेगा वन पॉइंट सेवन एक रुपया सत्तर पैसा मिलेगा एक रुपया साठ पैसा है सत्तर पैसा कुछ ऐसे ही है बाकी तीस पैसे कौन लेगा तीस पैसे की कमाई हो गई थर्टी पैसे ले गया आपका जूपी लूडो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा खेलने के लिए तीस पैसे बोले जाएगा और जो विनर होगा उसको एक रुपया सत्तर पैसा यहां पर मिल जाएगा राइट बेबी यस सर सरकार ने देखा कि अरे एक रुपए की जगह एक लाख भी हो सकता है एंट्री फीस आप मुझे बताइए यहां जीएसटी सरकार ने ठान ली है चाहिए मतलब चाहिए चाहे ये देसी गेम कंपनियां हो चाहे विदेशी हो चाहिए मतलब चाहिए तोड़ो फोड़ो मोड़ो जोड़ो जो मर्जी करो पर जीएसटी चाहिए नई चीज है जिस पे जीएसटी सरकार ने लगाया है तो बताइए लगभग हर चैप्टर में इसकी कनेक्टिविटी आई होगी या नहीं आई होगी हां ना हां सर आई होगी और आपको मैं बताऊं मैं आपको अमेंडमेंट क्लास दूंगा और मैंने इसकी पूरी नोटिंग शोटिंग सब कर रखी है शानदार तरीके से मैं आपको दिखा भी भी सकता हूं यहां पर मैंने नोटिंग नोटिंग इसकी प्रॉपर तरीके से कर रखी है ये देखो इस तरह की नोटिंग मैं आपको देने वाला हूं मैंने प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन मनी गेपिंग है तो इस प्रकार की अमेंडमेंट मैं आपको देने वाला हूं मालिक समझ में आगे बात अपने हाथ से लिखी हुई अमेंडमेंट में देने वाला हूं मतलब पूरे जीएसटी के अंदर जहां जहां पर जो जो इसमें चेंजेस आए हैं वो सब है और मैं दावे से कहता हूं जो अमेंडमेंट्स आई हैं उन्हें आपके अंदर से खींच निकालूंगा मैं बुक से ना पढ़ाऊंगा आप में से निकालूंगा ठीक है जी कोई बात नहीं है तो आइए देखते इसमें आगे क्या लिखा है मालिक जीएसटी <coughs> कितने पर आएगा बताइए जरा जो तीस पैसे पर एक सत्तर पे या वन प्लस वन दो रुपए पे दो रुपया पे इतने पे इतने पे सरकार जीएसटी कितने पर डिमांड करेगी बताएं साहब अच्छा सप्लायर कौन है यहां पर और रेसिपियंट कौन है सर सप्लायर है जूपी लूडो ये आदमी सप्लायर है रेसिपियंट कौन है रेसिपियंट एक ये रहा जो पैसे दे रहा है और एक ये रहा ये दो रेसिपियंट है जीएसटी कितने पर आएगा दो रुपए पर आएगा अच्छा ठीक है वेरी गुड दो रुपए पर जीएसटी लग गया अब क्या एक रुपया सत्तर पैसे पर भी जीएसटी लगेगा नहीं सर ये एक रुपया सत्तर पैसा दो रुपए का ही हिस्सा है उस पर लग गया तो फिर इस पर क्यों लगेगा अच्छा तीस पैसे पे जीएसटी आया क्या नहीं सर ये भी दो रुपए का ही हिस्सा है <coughs> ये भी दो रुपए का ही हिस्सा है सर इस पर भी नहीं आएगा ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है ठीक है जी तो ये एंट्री फीस बोलते हैं तो जो भी आपकी एंट्री फीस होती है इस एंट्री फीस पर सरकार जीएसटी लगाने की बात करके चल रही है इसके लिए हर एक चैप्टर के अंदर जाकर इन्होंने चेंज किया है पहली बात तो ये कि ये जो एक्टिविटी यहां पर हो रही है क्या इसमें कंटेंजेंसी होती है कि नहीं होती हाँ ना खेल को खेलने में कंटेंजेंसी होती कि नहीं होती आप जीत भी सकते हो और नहीं भी जीत सकते हो राइट ओके यस सर मैं खेला था और मैं इससे पहले यह समझ पाता खेलना कैसे है सामने वाला मुझसे जीत ले गया एक मिनट लगाया जीतने में वो गिरा गया और जीत ले गया मैं एक रुपया हार गया पहले ही चांस में एक रुपया मैं हार गया ओह मैन शिट ले इसमें कंटेंजेंसी है और अगर इसके अंदर कंटेंजेंसी है तो बताइए क्या इसे हमें एक्शनबल क्लेम बोल देना चाहिए कि नहीं मैंने कहा ना इतना सा भी आपको नया पढ़ा जाऊं तो मुझसे कह देना अगर कंटेंजेंसी है तो इसमें तो कंटेंजेंट असेट को एक्शनबल क्लेम के नाम से बुलाते हैं हाँ सर जी हाँ है, है, हाँ आ, मैं समझ पाता खेलना कैसे तो था हार चुका था मैं ये स, हाँ, सी का एक का नुकसान छोड़ूंगा नहीं या पहले सीखूंगा इस बार एक रुपए को तो जीत के पक्का लेके आऊंगा बस यही चीज नहीं होनी चाहिए कि जो हार गया उसे जीत के लाऊंगा यही चीज तो लत लगा देती है मुझे तो तेरी लत लग गई लग गई जमाना कहे लत ये गलत लत लग जाएगी डाउनलोड करना एक बार खेल कर देख लेना सब लोग एक एक रुपये से हार जाओ तो ठीक जीत जाओ तो ठीक और डिलीट मार देना ठीक <laughs> इससे ना सही हाँ हाँ तो ऐसे करके है तो ऐसे करके हाँ, तो ये पर क्लेम बोल दूं और एक्शनबल क्लेम क्या बनता है सीडियां चढ़ रहे हैं जेंसी है तो एक्शन में क्लेम बना एक्शन में क्लेम होता है तो ये गुड्स बन जाता है वाह वा, 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 वा। तो सर्विस जैसी लगती है, है एक्चुअल में सर्विस लेकिन भूरा मेरे ये सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट किया जाता है दिमाग की कुछ तार खुले कि नहीं खुले ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट किया जाता है इसी पे दो रुपए पे, पे टैक्स लगाने की बात वो करके चल रहे हैं इसमें आगे बहुत सारे प्रोविजन जुड़ जाएंगे कैसे करके भला टेस्टिंग करके देखो हालांकि अमेंडमेंट क्लास में कराऊंगा मैं आपको पर पूछ के देखता हूं मन नहीं मान रहा है अगर हम मान लीजिए ये जूपी जैसा मुझे नहीं पता जूपी लूडो इंडिया का कि बाहर का है मुझे बताना कहां का है अगर मान लीजिए ऑनलाइन मनी गेपिंग ऐप वाला बंदा इंडिया के बाहर बैठा हुआ है है ना इंडिया के बाहर बैठा हुआ है और वहां से इंडियन बच्चा ये गेम खेल रहा है आप और हम गेम खेल रहे हैं टैक्स कौन भरेगा हमसे सरकार ले नहीं सकती है खतरनाक क्वेश्चन डाला मैंने तुम हम्म याद है हुँँँँँ। ना भूल तो नहीं गए आप गैंग्स ऑफ वासेपुर कह के लूंगा टैक्स कौन भरेगा सप्लायर या हम लोग जो गेम खेलने वाले हैं सर आर में हमें यहां पे टैक्स भरना पड़ेगा आप भूल गए आप भूल गए इसको अगर मैंने गुड्स बोला है तो इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स आता है तो क्या आर लगता है या कस्टम वाले हैंडल करते हैं टन है, टन 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 टारा आया मजा ये गुड्स बोला गया है फील सर्विस होता है दिखने में सर्विस लगता है लेकिन एक्शनेबल क्लेम होने के चलते कंटेंजेंसी होने के चलते ये गुड्स बन जाता है, है कि नहीं जी हां वही तो तो बताइए टैक्स कौन कलेक्ट करेगा सर टैक्स कौन कलेक्ट करेगा सर जी यहां पर ये डीम्ड गुड्स है डीम्ड नहीं एक्शनेबल क्लेम और एक्शनेबल क्लेम को गुड्स बोलते हैं हम और इंडिया के बाहर से सप्लायर भार का है खेलने वाला इंडियन है सर कस्टम अथॉरिटी यहां पर टैक्स लेगी टन टन टं, टन 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 टारा वो भी ना लेगी मैंने माना खेल रहा हूं थोड़ी देर खेलने दो मुझे मैंने माना कि गुड्स जब इंपोर्ट होता है तो कस्टम वाले लेते हैं ये गुड्स तो है पर नो फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या ये बॉर्डर पार कर कहेगा अरे देखो देखो जहाज में बैठ के आ रहा ऑनलाइन मनी गेमिंग कस्टम पोर्ट पे आ गया अरे अरे रखो उठा के क्रेन से उतरवाओ ऑनलाइन मनी गेमिंग को इट हैज नो माना की गुड्स है बट इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस आ रहा है मुझे अब बताओ टैक्स कौन भरेगा टन 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 बोलो रे यहां पर आकर चीटिंग करते हो आप हाँ करता चीटिंग हम्म दो बार दो बार कह के सर आरसीएम ही लगेगा वेरी गुड आरसीएम लगेगा देगा ऐसे रेसिपेंट दे ही नहीं सकता मैं खेल रहा हूं आप खेल रहे हो बच्चे खेल रहे हैं रेसिपेंट देगा ही नहीं अच्छा पहले बताओ जीएसटी किसको जाएगा कस्टम वाले को जाएगा या जीएसटी डिपार्टमेंट को जाएगा ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स है लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है पहले यह तय कर लो जाना किसको है भरेगा कौन वो देख लेंगे हम इम्पोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी नहीं है हो सकता <laughs> देखा आया मजा सर टैक्स जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट को ये तो तय है कस्टम वालों का रोल इसमें नहीं है माना कि गुड्स बट कस्टम वालों का रोल नहीं आ सकता है तो इसका मतलब एक अमेंडमेंट तो आपको सेक्शन पांच ऑफ आईजीएसटी में करनी पड़ेगी कि देखो भैया रे, इंपोर्ट ऑफ वहां से बाहर निकालो पहले कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो होता है उसके ऊपर इंपोर्ट ऑफ जो गुड्स होता है उसके ऊपर जीएसटी कस्टम डिपार्टमेंट टैक्स लेता है मान ली आपकी बात हमने लेकिन इसके ऊपर नहीं लेगा, और एक्सेप्ट ऑनलाइन मनी गेमिंग वेरी गुड वहां से आपने इसको बाहर निकाल लिया बहुत अच्छी बात है जी बहुत अच्छी बात है फिर कौन देगा अब सर्विस के तरह देखेंगे कौन देगा दे नहीं सकता तो आपके पास सप्लायर बच वो सप्लायर का ऑप्शन बचता है आपने उसको बोला कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा आना पड़ेगा वा पड़ेगा वचन गीता वाला निभाना उसे यहां बुलाइए वो यहां पर आकर रजिस्ट्रेशन लेगा रजिस्ट्रेशन तो स्टेट वाइज है उसको क्या हर स्टेट में करवाओगे नहीं सिंगल से काम चलेगा ऑल इंडिया में सिंगल रजिस्ट्रेशन उसका हो जाएगा और यहां पर आकर वो अपने हिस्से का टैक्स इसके ऊपर भर के चलेगा और अगर नहीं भरा तो नॉन कंप्लाइंस नहीं भरता नहीं भरता ऐसी की की तैसी तैसी अरे मुन्नो ले तेरा तेरा ऐसी एक साथ ऐप बंद कर रखे क्या चीज है घुंडी घुमाएंगे और ऐप ब्लॉक खत्म ले खेल ले लूडो ऐसे करके तो भगा देंगे इसको यहां से जी सर जी तो इस तरह के चेंजेस मैं आपसे निकलवा दूंगा चेंजेस क्या क्या हैं इस तरह के चेंजेस बहुत सारे यहां पर किए गए हैं सिर्फ इसी के चक्कर में टारगेट एक ही है कि भाई जीएसटी चाहिए मतलब चाहिए ठीक यस सर तो अमेंडमेंट है अमेंडमेंट को आप ना एक फेस्टिवल की तरह लेना क्या बेटा क्या हुआ कैसे हुआ लोड बर्डन की तरह मत पकड़ना उसको ना खेलना जैसे आप खेल रहे थे कि चीटिंग करते हो हम भी चीटिंग करेंगे तुम भी चीटिंग करना खूब सारी आइए देखते सबसे पहले ये परिभाषा अमेंड करी गई सप्लायर की जो सप्लाई करे वो सप्लायर है यहां तक तो ओल्ड डेफिनेशन ही है ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है जो सप्लाई करे सप्लाई नया क्या ऐड किया गया है यह पॉइंट आपका इधर आके नया ऐड कर दिया गया है <coughs> मजा आया ना ऐसे पूरी अमेंडमेंट में मजा आएगा जी तो अम, दब, अब मुझे बताना यह सारी बकवास सुनने के बाद में मुझे बताना कहना क्या चाहते हो थ्री इडियट वाला मैं पढ़ रहा हूं पहले चतुर्सैन की तरह प्रोवाइड दैट ए पर्सन ऑर्गेनाइज और अरेंज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनबल क्लेम इंक्लूडिंग ए पर्सन actionable ओन्स ऑपरेट मैनेज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सच सप्लाई शेल बी डूम टू बी money मनी वर्थ uh, virtual वर्चुअल assets. अरे कहना क्या चाहते हो आप <laughs> बताओ आमिर खान ने जो जवाब दिया था क्या अरे भाई कहना क्या चाहते हो ज़ूपी लुडो, MPL, पोकर, जो हाँ, ऐप को सप्लायर मानेंगे यही कहना चाहते हैं ना ऐप को सप्लायर जो ऐप प्रोवाइड करा रहा है ऐसा उस बंदे को सप्लायर माना जाएगा देखिए जब बात रियलिटी में समझ में आती है ना तो ये लैंग्वेज किसी मायने की नहीं रखती है इसमें <coughs> एक शब्द आया है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ये क्या है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को भी यहां पर हम देखते हैं वो क्या है मालिक ऊपर देखिए क्या लिखा है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ये रहे आपको पता है ना एक्शनेबल क्लेम में पहले सिर्फ वो चलते थे एक था बैटिंग गैम्बलिंग और लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी हुआ करते थे ठीक बेबी अब इन्होंने कुछ नए और ऐड किए हैं और हम जानते हैं इसको सप्लाई भी बनाते थे और इस पर जीएसटी भी लगता था और इसके अलावा बाकी जितने भी थे आहा इसके अलावा बाकी जितने भी एक्शन क्लेम थे सबको गुड्स तो थे लेकिन सप्लाई नहीं बनाते थे बराबर क्या अब ऐड किया है इसमें कसीनो हसीनो नहीं कसीनो कसीनो हॉर्स रेसिंग कसीनो हॉर्स रेसिंग और साथ में ये ऑनलाइन मनी गेमिंग ये भी इन्होंने यहां पर ऐड कर लिया है मुझे बताइए क्या अब तक जो पढ़ते थे कि इसके अलावा कुछ भी सप्लाई नहीं बनेगा क्या अब इनको भी सप्लाई बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए चाहिए क्योंकि जीएसटी चाहिए ना टारगेट क्लियर है।, है रास्ता क्लियर है इन पर भी जीएसटी लगा दिया जाएगा तो इन तीनों को मिलाकर अब हम बोल देते हैं स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम तो मुझे बताइए इस बात का फर्क शेड्यूल थ्री में आया होगा कि नहीं आया होगा सप्लाई चैप्टर में शेड्यूल थ्री आता है वहां लिखा होता था बैटिंग गैम्बलिंग और लॉटरी को छोड़कर बाकी कुछ भी सप्लाई नहीं बनेगा वहां पर शब्द कैसे रखे गए हैं पता है शब्द रखे गए हैं कि एक्शन क्लेम वैसे तो सप्लाई नहीं बनता लेकिन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो होंगे उनको सप्लाई बनाकर जीएसटी लेंगे तो ये तीन नाम बार बार ना लिखने पड़े इसलिए इन तीनों को एक नाम दे दिया एक थैलेम बंद कर दिया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम एग्रीड ना ठीक है जी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम और आपको पता है मैंने जो अमेंडमेंट्स के नोट्स तैयार किए हैं ना आप देखोगे ना बाबू एक एक करके शानदार तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से सप्लायर ये रहा रेसिपियंट ये रहा एक आपके बाबा की बूटी वाले पैटर्न पर जो जो सिक्वेंस है ना चार्ट का जिससे हमने जी को हैंडल किया है सप्लायर की डेफिनेशन स्पेसिफाइड एक्शन में क्लेम के अंदर ये आ गया है ना उसके बाद में जब आप सप्लाई चैप्टर में आते हो तो वहां पर आ जाएगा कि एक्शन वर्क क्लेम जो होते हैं वो नहीं होते लेकिन हाउ एवर स्पेसिफाइड एक्शन वर्क क्लेम जो होंगे उनको सप्लाई बुलाया जाएगा तो ऐसे करके बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सारा कुछ रेडीमेड लिखा लिखा है आपको वहां पर मिल जाएगा ऐसे करके ठीक है साहेब तो स्पेसिफाइड एक्शनबल क्लेम हो गए एंड उसके बाद में तो ये परिभाषा ऐड की गई थी ये भी आपकी कवर हो गई सप्लायर की कवर हो गई ऑनलाइन गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग बड़ा शब्द कौन सा है बड़ा शब्द है ऑनलाइन गेमिंग इसमें आपके जितने भी इंटरनेट पे बच्चे गेम खेल रहे हैं मेरे बच्चे गेम खेलते रोब्लॉक्स खेलते रहते हैं उसमें हालांकि कभी कभी गेम खेलने के लिए बच्चा कहता है पापा चार सौ रुपये दे दो मैं किस लिए कि गेम के अंदर किचन में जाके खाना बनाना है क्योंकि उन्होंने निकमों ने क्या कर रखा है लॉबी में बैठा के रखते हैं फ्री वाले को और खाना बनाना कुछ एक्टिविटी करनी है या बेडरूम में जाके सोना है तो उसके लिए पैसे लेते हैं वो ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप नहीं है मनी गेमिंग वो जहाँ पर आपको जीतने के मिलते हैं दे तो कुछ भी दो किसी को तो वो सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग है तो गेम ऑन इंटरनेट और ऑनलाइन गेमिंग बड़ा वर्ड है जो अपने अंदर मनी गेम को भी ऐड करके चलता है तो ऑनलाइन गेमिंग में आपके नॉन मनी गेमिंग ऐप और मनी गेमिंग ऐप दोनों आ जाते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या है जूपी लूडो को आप दिमाग में रखिए और उसके हिसाब से देखो क्या बोलता है ऑनलाइन गेमिंग इन विच प्लेयर्स एक ऐसा ऑनलाइन गेम जिसमें कि प्लेयर पे करता है डिपॉजिट करता है हमने एक एक रुपया डिपॉजिट किया था ना एक बार जरूर करना उसको ना खेल के देखना एक बार खेलना बस मनी और मनी वर्थ मनी मतलब पैसा हो गया चाहे इंडियन करेंसी हो चाहे फॉरेन करेंसी हो तो वो सब मनी में आ जाता है डॉलर हो चाहे रुपये मनी वर्थ क्या है इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि क्रिप्टो भी यहां पर अलाउड है अच्छा हो सकता है कि ये एम पी एल वगैरह कुछ आपके एप्लीकेशन इीगल हो सकता है तो लीगल है कि इलीगल है ये ना देख रहे हैं हम देखिए यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद एक आई बनते, बनते हैं एक आईपीएस बनते हैं आई का काम है रेवेन्यू को देखना आईपीएस का, का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना तो आई ऑफिसर जब आएगा अपने पैसे लेके चला जाएगा बाकी वो लीगल था इीगल था काम वो नहीं पता अपने पैसे लेके चला जाएगा जो आईपीएस आएगा वो ये चेक करेगा कि आपने क्या गलत किया है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा जो गलत किया उसकी सजा वो देगा इन एक्टिविटी के वो करके चलेगा क्लियर है पॉइंट यस सर इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग एक्सपेक्टेशन आ गई ना वो एक्सपेक्टेशन आ गई यहां पर कंटेजेंसी आ गई यहां पर मनी और मनी वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल हो तो गेम है गेम का नाम दो स्कीम का नाम दो कॉम्पिटिशन कराइए दो लोगों का चार लोगों का जिसके आउटकम और परफॉर्मेंस जो होते हैं बेस्ड ऑन स्किल लूडो खेलना स्किल बेस्ड है या लक बाई चांस है बताइए <coughs> लूडो खेलना जीतना स्किल बेस्ड है मुझे तो पता ही नहीं चला था मैंने तो वैसे वास्तव में भी लूडो बहुत ही कम खेला है जानता खेला ही नहीं कभी मान के चलो कच्ची तो उम्र में पैसे कमाने की लत लग गई थी ना तो लूडो वूडो मैंने खेले ही नहीं मैंने पैसे कमाए थे ट्वेल्थ पास से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने तो स्किल बेस्ड है कुछ आपके वो भी होते हैं बाई चांस लक बेस्ड आजमा लक आजमा लक बेस्ड होते कि नहीं होते हाँ सर होते कौन से होते लक बेस्ड सर जी जैसे घुमाते हैं ना तो जूम अब भाई साहब कहां आके सुई रुकेगी आपको ना पता ना मुझे पता है इसमें स्किल क्या करेगी जहां रुकेगी सो रुकेगी लक बाई चांस है तो चाहे वो लक बेस्ड हो चाहे वो स्किल बेस्ड हो या दोनों शामिल हो थोड़ी स्किल थोड़ा लक जैसे जो स्पिन वाला होता है शायद वो दोनों मिक्स होता है नॉट ओनली लक बेस्ड कि आप उसे टर्न करते हो थोड़ी आपकी स्किल भी होनी चाहिए कहां जाकर रुकेगा थोड़ी स्किल भी होती है थोड़ा लक भी होता है दोनों मिक्स करके उस पर काम कर रहे होते हैं वो भी लक होता था मेले में जाया करते थे छल्ले पहनते पें, थे ना कि भाई जिस पर छल्ला गिर गया एक रुपए के चार छल्ले मिलते थे मेरे जमाने में सामने होता था, था पाले जी का पैकेट और जो लाइबा वगैरह उस पर छल्ला डालते थे जिस जिसपे छल्ला पड़ गया वो आपका काश प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता कि जिस पे छल्ला डाल दे वो तुम्हारा क्या बात है क्या बात है <laughs> आगे बोलते हैं वेदर द सेम इज परमिसेबल और अदरवाइज लीगल हो या इीगल हो फर्क नहीं पड़ता मुझे बताइए लूडो जूपी की परिभाषा समझ में आ गई हाँ जी आ गई तो बस सप्लायर की बता दी सारी बता दी और यह वर्चुअल तो चीज है या नहीं है हाँ या ना यस सर तो यहां पर आकर आपका एक चैप्टर हो जाता है खत्म क्वेश्चन आंसर कोई ज्यादा कठिन तो नहीं आते इसके अंदर इस चैप्टर से क्योंकि दूसरे चैप्टर में इसकी कनेक्टिविटी आती है तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर है इसके अंदर वो क्वेश्चन आंसर आप नहीं भी करोगे चलेगा क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं इसकी कनेक्टिविटी बाकी चैप्टर्स में आती है समझ के बात मेरी मैं क्या बोल रहा हूं आपसे सप्लाई वगैरह चैप्टर में से कनेक्टिविटी आती है बट स्टिल चलो एक काम करते हैं यहीं पर छोटा छोटा दिखा देता हूं ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें से जैसे कि डिफाइन द फॉलोइंग पर्सन क्या है पर्सन सब आ जाते हैं पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल हो ये हो वो हो सब लोग आ जाते हैं सप्लायर कौन है इंपॉर्टेंट है जो सप्लाई करे सप्लायर और साथ में आपका जो जूपी लूडो वाला था वो भी सप्लायर आ जाएगा हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा मैं आपको बता रहा हूं बट मैंने तो अपनी तरफ से बना के के रख कौन कौन है ये कौन है ये तो आप इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर को इसके भी कर सकते हैं नहीं भी करेंगे चलेगा क्योंकि इन डेफिनेशन पर बेस्ड आपका जो क्वेश्चन आएगा वो एप्लीकेशन वाला होगा ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने तो प्रैक्टिस करने के लिए बोल दिया था गुड्स क्या है सर्विस क्या है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है, है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस क्या है ठीक ऐसे करके है मालिक तो आगे सप्लाई चैप्टर क्वेश्चन शुरू होंगे यहां से करके चलना राइट right बेबी तो यही है राइट चॉइस बेबी आहा और ये जो दोनों बुक है कॉम्पैक्ट बुक एंड माई कंपाइलर इट इज अवेलेबल ऑन सी वेबसाइट कॉम राधे राधे बाबू क्लास में मजा आया कि नहीं आया समझ में आया नहीं आया वो तो मुझे पता है मैं पूछ रहा हूं मजा आया कि नहीं आया क्योंकि तो हम सुबह सुबह इकट्ठे हुए हैं यहां मजे लेने के लिए और लाइफ में मजा आना बहुत बहुत जरूरी होता है हमें जिंदगी मिली है मजा लेने के लिए तो मजा आना चाहिए पढ़ाई लिखाई सब होती रहेगी साथ में कोई दिक्कत नहीं है मजा जरूर आना चाहिए थैंक यू सो मच बाय टाट एंड लव यू बाय बाय शिलीशा अभी नीलेष सानिया रोशन नितेश कृतिका बाय